मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? एहसान है आपका मुझ पे जो आप हमारा शो देख लेते हैं। जैसे एहसान बहुत सारे हैं मुझ पे और आप पे भी हैं, आपके अम्मा अब्बा का एहसान कि उन्होंने आपको पाल पोस के इस काबिल बनाया कि आप टीवी देख सकें या फिर आप अपनी ज़िंदगी में खड़े रह सकें, काम कर सकें, बहुत सारी और चीज़ें हैं, घर देख सकें। तो आपके अम्मा अब्बा का ये एहसान है आप पे, आपकी दादी नानी का एहसान है कि उन्होंने आपको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई, आपको टोका, आपको बहुत सारी दुआएं याद कराई और सीधे रास्ते पे चलना सिखाया। आपके असाध्या का ये एहसान है कि उन्होंने आपको सही तालीम दी और उस तालीम के बल पर आप डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं या किसी भी अच्छी फर्म में मुलाजमत कर रहे हैं। आपके बहन भाइयों का एहसान है कि उन्होंने आपका साथ दिया, कभी अम्मी से बचाया, कभी अब्बू से बचाया, कभी आपको आपके गलत दोस्तों से बचाया, कभी आपको सही राह दिखाई, कभी आपके साथ खेले, कभी आपके साथ लड़े। ये जो सारी बचपने की फीलिंग्स हैं ये सिबलिंग्स की वजह से ही आती हैं। सो आपके दोस्तों का एहसान है कि अच्छे बुरे वक्त में वो आपके काम आए, आपको सही मशवरा दिया और गलत लोगों से दूर किया, बुरे वक्त में आपके काम आए, अच्छे वक्त में आपकी खुशी को शेयर किया, एक आवाज़ में भागे दौड़े चले आए। जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, जिनसे हम घिरे हुए हैं, क्योंकि हम तन्हा नहीं रह सकते इस दुनिया में, उन सब का हमारे ऊपर कुछ ना कुछ एहसान है और हमें जब मौका मिलता है तो हम वो लौटाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा बन जाते हैं, टीचर्स की जो खिदमात हमने हासिल की हैं उनको हम याद रखते हैं, उनको सराहते हैं और कभी ना कभी शायद किसी वक्त पर, किसी मोड़ पर हमें वो एहसान लौटाने का मौका भी मिल जाता है। अपने बहन भाइयों के लिए जब उनको ज़रूरत होती है खड़े हो जाते हैं और ये दिल से करते हैं हम। तो कभी कभार हमें मौका मिलता है उन सब का एहसान लौटाने का और कभी कभार हम नहीं लौटा पाते और हम कहते हैं कि हमें तो आपने मौका ही नहीं दिया। मगर हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं ना, जिससे इसके ऊपर एहसान करो तो उसके शर से भी डरो। कुछ लोग बहुत एहसान फरामोश होते हैं और वो आपके इर्द गिर्द होते हैं। जैसे अच्छे लोग होते हैं तो वैसे नेगेटिव लोग भी होते हैं और आप उनके लिए कुछ भी कर लें लेकिन वो कभी ना कभी सांप बन कर आपको डसते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ इतना अच्छा किया, वो कभी आपके साथ इतना बुरा कर ही नहीं सकते। और वहाँ आपको पहचान होती है किसी एहसान फरामोश की। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई एहसान फरामोश ज़रूर होता है। आपके ख़ानदान में भी होगा, आपके घर में भी हो सकता है, आपकी कलीग्स में भी हो सकता है, आपके ऑफिस पे भी हो सकता है, कभी कभी आपके बहन भाइयों में से भी कोई एक हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन यहाँ इस वक्त इस सेट पर कौन है एहसान फरामोश? मंडे से फ्राइडे रात 9 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर आप देखेंगे एहसान फरामोश। अभी तो सिर्फ यही एहसान फरामोश है और कौन कौन आने वाला है इस एहसान फरामोश के बारे में डिस्कशन करने, ये आप जानेंगे छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज की सुबह भी ऐसी फर्स्ट क्लास ना बना दी ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह मैं आपको इतने प्यारे प्यारे चेहरे दिखाऊंगी कि खुद ही आपका मूड अच्छा हो जाएगा। सो अगर आपका मूड अच्छा नहीं है फिक्र मत करें, आप ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो मैं अब अपनी पहली गेस्ट बुला रही हूँ वो आप देख सकेंगे ARY डिजिटल पर मंडे से फ्राइडे रोज़ाना 9 बजे एहसान फरामोश में। क्या इस ड्रामे में एहसान फरामोश यही है, हैं या नहीं? शक्ल से तो नहीं लगती, इतनी प्यारी भोली भाली मासूम शक्ल की लड़की, लेकिन एक्टिंग ऐसे करती हैं कि वो अपने सारे कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ करती हैं। किसी ड्रामे में आपको भोली भोली नज़र आती है, किसी ड्रामे में कोई वैम्पिश कैरेक्टर करती है, लेकिन चेहरे से बहुत मासूम है और यकीन माने रियल लाइफ में भी बहुत मासूम है। आइए वेलकम करते हैं मोमिना इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, अच्छी लग रही हो? बिल्कुल जी।
ठीक है। मुझे तो मतलब मैं तो देख रही हूँ कि ऊपर से नीचे तक कलर, तुम्हें जूतों का कलर पहले, जूते पहले मिले थे कि कपड़े पहले मिले थे? पहले कपड़े मिले थे, क्योंकि बुशरा अंसारी कहती है पहले मैं जूते खरीदती फिर उसकी मैचिंग के डाई करा के कपड़े सिलवा। तो मुझे ऐसा लग रहा है तुमने जैसे इतना मैच हो रहा है, जूते नजर आ रहे हैं किसी को? थोड़ा सा और आगे पीछे हो, ये रहे हाँ। तो वो इतना मैच कैसे हो गया भाई, और सुबह सुबह कैसे ढूंढा तुमने? मैंने ढूंढा, रजाक ने ढूंढ के दिया, रजाक ने ढूंढ के दिए। कि 8 अगस्त से तुम लोगों का ड्रामा जो है वो ऑनियर हो गया है, हो गया। कैसा रिस्पांस आ रहा है मोमिना? कल तो बहुत ज़्यादा, एकदम से सुबह जब मैं उठी हूँ, मतलब परसों लगा था तो, लेकिन जब मैं कल सुबह उठी हूँ तो इतने ज़्यादा मैसेजेस मुझे आए हुए थे। हाँ। और इतनी विशेस थी, मुझे इतनी खुशी हुई कि फर्स्ट एपिसोड पे इतना अच्छा रिस्पांस था। हाँ। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने जो टीजर्स और प्रोमोज देखे ना, अभी मैं एक साथ बैठ के देखती हूँ, एक हफ्ते की का सारा ड्रामा जो है ना, 2 हफ्ते का, वो सारा एक साथ जखीरा करके देखती हूँ यूट्यूब पे। आप भी मुझे फीडबैक दीजिए, मैं तुम्हें देती हूँ, हमेशा बताती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो वैम्पिश कैरेक्टर्स होते हैं, जो थोड़े से नेगेटिव रोल्स होते हैं, उनमें मार्जिन ज्यादा है, एक्टिंग का मार्जिन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तुम्हें अपने सारे हुनर दिखाने हैं। वो तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जितना अच्छा कर सकूँ तो मैं अपने करेक्टर को करूँ, लेकिन आपको पता है नेगेटिव करना मुश्किल भी होता है बहुत। मुझे ये समझ नहीं आती तुम्हारी शक्ल सूरत इतनी भोली भाली सी है, सो तुम्हें सोच भी कैसे सकते हैं लोग नेगेटिव कैरेक्टर में बुक करने के लिए? इसीलिए दे देते हैं कि सोच नहीं सकते, शायद कर ले। हाँ, ये तुम बिल्कुल उससे ऑपोजिट जाती हो, जिस तरह की तुम हो उससे बिल्कुल ऑपोजिट करती। और ड्रामे में भी ऐसे किया मैंने कि हाँ। आप ऐसे मतलब फैमिली है और कोई जज भी नहीं कर सकता कि अभी ये क्या करेगी, क्या ड्रामा हाँ। कर देगी अभी, तो वो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता कि ये इस तरह की है। अच्छा, वो तुम फिर वो होता है कि मासूम, मैंने कुछ किया ही नहीं, परफॉर्मेंस तुम्हारी निकल कर आती है बाद में। वाओ, मजा आया तुम्हें करने में? बहुत। लोग इसे क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। हाँ, ये तो है। इसके पास सर को जाने का टाइम नहीं होता था, मैं बोलती हूँ ईद के शो पे आ रही हूँ, ड्रामे की शूट पर हूँ, क्या करूँ। सो वो मुझे पता है कि तुम कितनी बिजी में रही हो। प्लीज आओ बैठो, हम बुलाते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को, वो भी आपको हमारे शो पे बहुत कम कम नजर आते हैं, ज्यादातर वो इंटरव्यूज देते ही नहीं, ज्यादातर वो आपको ड्रामों में ही बिजी नजर आते हैं, एक के बाद एक खत्म होता है शुरू, बस लगता है ये लड़का सिर्फ मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड हुमायूं अशरफ को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? मेहनती एक्टर हमारी इंडस्ट्री के। बस मेहनत जरूरी है ना। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। सो भाई कैसा लगा आपको ये वाला कैरेक्टर करके, मजा आया आपको? बिल्कुल मजा आया। कबीर का कैरेक्टर है ना? कबीर का। असल में ये नाम जो है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट नाम। अच्छा, नाम की वजह से स्क्रिप्ट एक्सेप्ट किया? हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि मुझे नाम बहुत पसंद था। कैरेक्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। कभी कभी ये भी होता है कि मैं कहता हूँ सर ये नाम चेंज हो सकता है, तो इसलिए मुझे तो खैर बहुत मजा आया। खासतौर पर फैसल साहब डायरेक्टर हैं, उनका नाम सुन के फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना कि फैसल साहब कर रहे हैं, तो हाँ। मैंने कहा ये तो बड़ी बात है। हाँ, जाहिर है इतने पुराने डायरेक्टर हैं। हाँ। और प्यारे कितने आ रहे हैं आप लोग। हाँ, प्यारे फैसल साहब की ये खास बात है ना। हाँ। कि वो शूट बहुत प्यारा करते हैं, लाइटिंग शाइटिंग जाहिर है पहले तो वो कैमरे पे ही होते थे, तो फिर उसकी वजह से डायरेक्शन में भी बहुत प्रिसाइज हैं, स्क्रिप्ट पूरा पढ़ा हुआ होता है, मजेदार फिल्मी ड्रामा होता है। यस, है ना। इन शॉर्ट फिल्मी ड्रामा। आपको अगर स्क्रीन पे चाहिए तो फैसल बुखारी जो है वो, तो ही इज द बेस्ट। यस, नो डाउट, नो डाउट। प्लीज आइए बैठिए। थैंक यू सो मच। जब वो मतलब लाइक उन्होंने और भी पहले ड्रामे जो बनाए हैं वो भी बहुत पसंद किए हैं लोगों ने, सो वो वाली चीज है। हाँ जी, एहसान फरामोश, कितने एपिसोड हैं, कितने अरसे से तुम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो तुम लोग? रिकॉर्डिंग तो बहुत अरसे से हो गई। It's been 10 months? नहीं, November से last। मेरा तो 10 months हो गया। 10 महीने से रिकॉर्डिंग हो रही है, और आपकी 10 महीने से भी ज्यादा हो रही है। मेरी 2 महीने बाद शुरू हुई थी। हाँ, मैं दूसरे शूट पे था, तो इन लोगों का काम हो गया था पहले। हाँ। फिर मेरा 2 महीने बाद स्टार्ट हुआ। मैंने फसाद मचा दिया था। अच्छा, जैसे ये नेगेटिव रोल है तुम्हारा मोमिना, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा मियां डायरेक्टर है, जब वो कहानी कोई ऐसी कर रहा होता है नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो हमारे घर पे भी इम्पैक्ट होता है। यानी वो अंदर गोल लेता है ना अपने सारे। तो एज एन एक्टर तुमसे मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे तुम नेगेटिव कैरेक्टर करती हो, सो तुम्हारी जिंदगी पे भी कुछ उसका असर होता है, तुम्हें ऐसा लगता है? जब मैंने पहली बार नेगेटिव किया था तो वो मुझे ऐसा लगता था मैं हर किससे लड़ती रहती हूँ, हर छोटी बात पे बड़ी बात पे, मतलब बस लड़ना है।
पर जब मैंने ये किया है तो मुझे टीम इस तरह की मिली है, डायरेक्टर ऐसा है कि हंसी मजाक चलता रहता है, तो वो मुझे उस तरह से इफेक्ट नहीं करता। लेकिन एक ये होता है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी फील आती है ना कि मैंने बहुत नेगेटिव कर दिया है, तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद वो सीन करवाने के बाद मैं थोड़ा बहुत डाउन हो जाती हूँ कि इतना आप एक्सट्रीम नहीं देख सकते। मतलब एक इंसान के अपने अंदर भी तो गिल्ट होती है ना, तो वो जब आप इतना बोल लेते हो, हालांकि वो एक्टिंग है, एक्टिंग है, अंदर से कुछ होता है कि लेकिन मोमना ने मुझे लगता है बहुत ज्यादा पहला कैरेक्टर बहुत ज्यादा कंसीव किया था, जो कि मुझे नहीं लगता था इसको करना चाहिए। लेकिन एज एन एक्टर ये इतनी ऑनेस्ट थी, क्योंकि मैंने इसके साथ पहले काम किया, शी वाज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, और जब इसने वो कैरेक्टर किया और जब मैं इस शूट पे मिला तो ये बिल्कुल डिफरेंट थी। हाँ। तो इसने मुझे बताया अच्छा, पिछले में भी आप साथ थे? मैं नहीं, पिछले से पिछले एक और हमने किया था, एक प्ले छोटा सा, अच्छा, तो उसमें हम साथ थे, तो शी वाज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। हाँ। जब मैं इस दफा मिला तो शी वाज बिल्कुल बच्ची बड़ी भी हो गई ना। हाँ। थोड़ी सी। हाँ। थोड़े एक साल बाद दो साल दिमाग से बड़ी हो गई। इसकी बैंड गई है पढ़ने के लिए, तो इसमें मैच्योरिटी आई और बड़ी हो गई। तो बस फिर ये मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा इतना जरूरी नहीं है, इतना हावी कर लो। हाँ, इसमें भी इसने शुरू में हावी किया हुआ था। अच्छा देखो, मोमना के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं। हुमायूं, आप नहीं इंटरव्यूज देते मुझे, आपकी जिंदगी की कोई कहानी, कोई पहलू थोड़ा बहुत पता है, वो मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन बहुत सारी बातें हमें नहीं पता। आप कैसे इंडस्ट्री में आए हो, कैसे स्ट्रगल की है, कैसे यहाँ तक पहुँचो, क्योंकि आपने इतने इंटरव्यूज ही नहीं दिए कभी। असल में इंटरव्यूज में मैं हमेशा टू बी वेरी ऑनेस्ट भागता ही रहा। हाँ। मुझे लगता नहीं था कि पर्सनल लाइफ कभी डिस्कस नहीं करते। पर्सनल लाइफ तो मैं वैसे भी नहीं डिस्कस करता, और मैं समझता हूँ शायद किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हाँ। पर्सनल लाइफ डिस्कस मैं तो बहुत करती हूं यार। मेरा भी मसला ये, मुझे रोता रहता है सब चीजें। कितना छुपाए, मतलब तुम तो देते नहीं हो इंटरव्यू, हम क्या करें, जिप लगा के तो नहीं बैठ सकते रोज सुबह। हाँ, आपका तो बिल्कुल हर सुबह लोगों से मिलना है। हुमायूं कितने बहन भाई हैं? हम चार बहन भाई हैं। चार बहन, और हुमायूं का नंबर क्या है? मेरा है थर्ड नंबर। हाँ। मुझसे छोटा एक भाई है, दो कोई नहीं इंडस्ट्री में और खानदान में? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई कोई भाई बहन? मुझे लगता था ये सबसे बड़ा होगा, मैच्योर है ना। हाँ, मुझे लगता था, मुझे लगता है पैदा ही मैच्योर हुआ था ये। कभी मैंने इसको कोई ऐसे नहीं करते हुए देखा, नहीं होता है लड़के हा हा हु ही, हमेशा ऐसे चुपचाप रहते हैं। काम करना है इसको, सीन को ऐसे कर लेते हैं, इसको सीन को ऐसे कर लेते हैं। एक दो बार हमारी इस पे भी हुई है कि तुमने कितनी बार रिहर्सल करनी है। भाई मैंने पढ़ लिया, कहते नहीं एक बार और, एक बार और, मतलब वो बहुत ज्यादा होता है अपने काम को लेकर फोकस्ड होता है। की एक बहुत अच्छी बात है कि इसको डायलॉग्स याद हो जाते हैं बहुत जल्दी। बहुत अमेजिंग है ये, दो तीन बार सीन पढ़ती है ना तो लगती है वेली बैठी हुई है, कोई काम नहीं है इसके पास। जब सीन पे जाओ तो उसको सारे डायलॉग्स याद होते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है नॉर्मली, क्योंकि अब शायद मैं इतना ज्यादा उसको दिल पे नहीं लेता, ये बहुत ज्यादा दिल पे लेके उसको याद करती है, और मैं दिल पे नहीं लेता तो मुझे दिमाग से उसको याद करना पड़ता है बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ। नहीं हुमायूं घुमाओ नहीं, अच्छा तुमने बताया कि तुम्हारे चार बहन भाई। हाँ। और कोई शोबिज में नहीं? नहीं। तो तुम जब शोबिज में आ रहे थे तो तुम्हारे अम्मी अब्बू ने थोड़ा सा कहा था कि बेटा क्यों कुछ और करो, ये वो नहीं कर, किसी के अम्मा अब्बा कहते हैं। ये था कि शौक है, जैसे बच्चा फुटबॉल खेलने जाता है, क्रिकेट खेलने जाता है, तो उनको था ये अपना ये वाला शौक कर रहा है, इसको ये शौक है, तो वो शौक जो है वो होते होते प्रोफेशन बनना शुरू हो गया। प्रोफेशन जब बनाया तो घर में किसी ने एतराज तो नहीं किया कि भाई शौक की हद तक सही था? नहीं, एतराज नहीं किया, क्योंकि वो इतना ज्यादा ग्रेजुअली था, स्लो था, कि उनको समझ ही नहीं आई। उन्होंने कहा कि यही इसका शायद गोल है। अच्छा, तो किसी ने रोका नहीं मुझे? रोका नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सपोर्ट कोई भी नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम कैसे मौका मिला था तुम्हें? फर्स्ट टाइम तो ऐसे मौका नहीं मिला था, बहुत सारी जगहों पे ऑडिशंस और पता नहीं कहां कहां जाके, कैसे एकदम होता है ना, घर बैठे तो नहीं ख्याल आ जाता मैं टीवी पे आऊंगा, कोई ना कोई कहता है यार जरा हीरो टाइप लगते हो, जरा ट्राई तो करो। मुझे, मैं ना एक शो देख रहा था, तो उसमें फैशन मॉडलिंग हो रही थी। हाँ। रैंप मॉडलिंग पे, तो मैंने वहां देखा ना, तो पता नहीं मुझे एक दिल में उस सेकंड मैंने कहा मुझे ये करना है। वो जो एक एलिमेंट था, वो जो फर्स्ट टाइम वाला मॉडलिंग करनी है, शौक ये हुआ था। अब आई वाज सो यंग कि वो जो मॉडलिंग कर रहे हैं वो अलग लोग हैं, हम यहाँ बैठे में अलग लोग हैं, कोई सोशल मीडिया है नहीं, कैसे अप्रोच होगी, क्या होगा, लेकिन बस दिल में आ गया था कि ये करना है मुझे। तो उसके बाद फिर लग गए तस्वीरें खिंचवानी, ऑडिशंस देने, और इधर जाना उधर जाना, तो बस वो अखबारों में एड्स देखने, यहाँ जाके ऑडिशन देना है, वहाँ देना है।
तो उस वक्त तो मुश्किल था। फिर मिला के जो कैरेक्टर पहला मिला था वो क्या था? वो मेन था, साइड था, सपोर्टिंग था? बहुत एक्स्ट्रास मैंने जो कैरेक्टर ऐसे किया है कि क्राउड में 500 लोग खड़े हैं उसमें खड़ा हुआ हाथ नहीं कहो तो आई स्टार्टेड लाइक दैट। ऐसी होती मेहनत भाई। तो वो वहां से फिर करते करते एफर्ट करते करते पता नहीं कब बड़ा कैरेक्टर मिल गया, पता नहीं चला। और ये याद नहीं हुआ कि बड़ा कैरेक्टर पहली दफा कैसे मिला? मुझे ये याद है कि एक जब सपोर्टिंग कैरेक्टर करते हुए मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब नहीं करूंगा, अब करूंगा तो लीड पे काम करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो वो फिर कहीं से मुझे कॉल आ गई कि एक कमर्शियल है, आप अप्रूव हो गए और लीड है। नहीं, मैंने उससे कहा कि मैं जो हूँ ना वो साइड कैरेक्टर्स नहीं करता, मैं लीड करता हूँ। मतलब काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ गया, मैं बस ये यूं करता हूँ। तो लीड कैरेक्टर है, मैंने कहा अच्छा लीड कैरेक्टर है, यकीन भी नहीं आ रहा कि बाकी लीड कैरेक्टर है। तो फिर वो लीड कैरेक्टर था। तो आप जब नो कहते हैं किसी चीज से कि ये नहीं करना, मुझे ये करना है, तो फिर वो आपको मिलता है। फिर उसके बाद एक नई स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। स्ट्रगल तो आपकी कभी भी खत्म नहीं होती, आज के दिन में भी स्ट्रगल होती है ना कि आपने ये अब ये नहीं करना, अब इससे ऊपर कुछ जाके करना। लेकिन खूबसूरत लड़कियों की कहानी अलग होती है। मोमना, मोमना को तो माशाल्लाह ट्रे में रख मिलती रही चीजें है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम ये है कि तुमने भी शुरू से मतलब लाइक मेन लीड में एक दो ड्रामों के बाद आई हो, है ना? हां, पहले तो सेकंड लीड से स्टार्ट किया था ना, तो फिर मेन लीड। क्योंकि डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स पहले ट्राई करते हैं कि ये सारे ड्रामे का वजन उठा सकते हैं कि नहीं। वो एक मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आती थी एक्टिंग, आपको पता है, जीरो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जब मेहनत करते हैं, इतने सारे लोग आपके साथ मेहनत कर रहे होते हैं, फिर आपको करना पड़ता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है, पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे प्रोजेक्ट की, तो फिर आपको वो करना पड़ता है। जब मैंने इस चीज को समझ लिया था, फिर शायद अल्लाह मियां ने दे दिया। हाँ, ये बहुत सारे जो हीरोज हैं या बहुत सारे लड़के हैं जो इस फील्ड में आते हैं, उनको ये शिकायत होती है कि लड़कियों को थोड़ा आसान है अपनी जगह बनाना, लड़कों को मुश्किल। क्या ये दुरुस्त है? बन के देखे तो पता चले उनको। यस, इतना कोई आसान नहीं होता किसी भी चीज के लिए, किसी के लिए भी आसान नहीं होता। वो अलग बात है कि किसी की लक बहुत अच्छी होती है, जिसे अचानक ही करती है। अचानक ही एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, जी आप लीड कैरेक्टर कर रहे हैं। yes. वो लक होती है और उसी से आप मशहूर हो जाते हैं। हमारी किस्मत में ये लिखा है कि हमें सक्सेस मिलेगी मेहनत करके। उनकी किस्मत में उनको मिल जाएगा। तो सबके अपने अपने हैं, लेकिन ये नहीं है कि लड़कियों को बहुत आसानी होती है। लड़कियों को और बहुत सारी मुश्किलात होती हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, जो वो कह भी नहीं सकती। एग्जैक्टली। देखिए, ये लड़के कभी कभी चीखते हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कोई सीन है ना, ये बहुत कोई इनको पिंच कर दे तो कहीं जाके एक होता है कि ये लड़का अब चीखेगा। लड़कियों के लिए तो हर सेकंड चीखना 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 कितना मुश्किल होता है। गला बंद हो जाता है मेरा रोज चीख चीख। ड्रामों की एक्टिंग की बात कर रही हूं। दर्द होती है। हाँ, मैं लिटरली कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें अच्छा एक आदमी है वो सुकून से बैठा हुआ है, हाँ हम इस पर बात करेंगे, लेकिन लड़की चीखती जा रही है चीखती जा रही है, गला बंद हो जाता है, इतना बुरा हाल होता है। और अगर पॉजिटिव कैरेक्टर करो तो हर वक्त रोती रहेगी। आजकल चल रहा है रोना मेरा, ये तो है। तो बड़ा मेहनत का काम है ये। अच्छा, अब अगर जैसे लाइक मैं, जैसे तुम लोगों के ड्रामे का नाम है एहसान फरामोश, ठीक है ना, तो अगर हम उसी की बात करें, हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर एहसान किए होते हैं। सो मैं तुम दोनों से अगर पूछूं कि तुम लोग किसका एहसान बहुत मानते हो अपने ऊपर, अपने इर्द गिर्द के लोगों में से? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले आपके माँ बाप का ही एहसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो मुझे रोका भी नहीं ये काम करने से, तो उनका एहसान है। वरना वो कहते ये नहीं, खबरदार ये किया तो वो करो जाके। Exactly. तो ये बहुत बड़ा एहसान है। हाँ. तो मैं तो बस ये समझती हूँ कि माँ बाप ही या अल्लाह मियाँ किसी पर एहसान कर सकते हैं, क्योंकि और कोई आप पे एहसान नहीं करता। क्योंकि आजकल के दौर में या पहले दौर में कोई आप पे एहसान करता ना, तो उसकी पूरी कीमत वसूल करता है। सही कह। और पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीटता है, मैंने तुम पे एहसान किया। तो एक माँ बाप है और एक अल्लाह मियाँ है, बस उसके अलावा तो मैं किसी को उस लेकर ही नहीं आती लीग में कि तुमने मेरे पे एहसान किया। तो जो एहसान करता है मेरे ख्याल में वो सोच समझ के करता है और ये गिव एंड टेक होता है। हाँ, मतलब वो ये नहीं होता। बिल्कुल हकीकत है कि बहुत, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं। आपको पता नहीं होता आपकी कहाँ कहाँ हेल्प कर देते हैं। कहाँ अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं? अभी तो मेरी उम्र तक पहुंचोगी तो तुम्हें अंदाजा होगा, क्योंकि शायद जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मुझे भी ऐसे लगता था कि नहीं कोई और होता नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी की जर्नी तय करते हैं तो उसके बीच में आपको बहुत अच्छे और बुरे दोनों लोग मिलते, तभी तो दुनिया चल रही है। अच्छे लोग मिले ना मुझे सेट पे। और भी मिले, मैं भी तो अच्छी तुम्हारे साथ। आप तो
तो इसी बात पे ब्रेक पे जाते हैं। एक ब्रेक के बाद देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एहसान फरामोश 8 अगस्त से आप देख रहे हैं ARY डिजिटल्स की स्क्रीन पर रात 9 बजे और ये अभी जारी और सारी है और आपको पसंद भी आ रहा है तो उसको और पसंद करने के लिए याद दहानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 9 बजे TV स्क्रीन्स मंडे टू फ्राइडे छोड़नी नहीं है आपने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ लोग होते ही ऐसे, कब किसी की जिंदगी में उजाला बनकर आते हैं पता ही नहीं चलता। मैं चाहता हूँ कि आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी में उजाला बन जाए हमेशा के लिए। पता है नवाल, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इतनी सोपर सी है, इसके साथ नवाल जैसी लड़की ही सूट करेगी। मुझे नवाल नहीं, मुझे फलक पसंद है। मैं कबीर के लिए फलक का हाथ मांगना चाहती हूँ। मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। अगर आप ये रिश्ता नवाल के लिए लेकर आई होती यकीनन मैं हाँ कर देती। मैं सोच रही थी कि अगर हम उनसे नवाल के लिए एक मिनट बात। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। मेरे साथ इस वक्त मोमिना और हमायूं यहाँ मौजूद हैं और इनको आप देख रहे हैं 8 अगस्त से हमारे TV स्क्रीन्स पर एहसान फरामोश में रात 9 बजे मंडे टू फ्राइडे। 6 Sigma Plus प्रोडक्शन है ये। सैयद फैसल बुखारी साहब इसके डायरेक्टर हैं। राइटर कौन है? ताहिर नज़ीर साहब इसके राइटर हैं और जो इसकी कहानी है वो किसी एहसान फरामोश के ऊपर है। अभी तक क्या हो चुका है ऑन स्क्रीन, अभी तक लोगों को क्या पता चल चुका है? लव स्टोरी चल रही है। हाँ। लव स्टोरी एक्चुअली लव स्टोरी है। असल में हर इंसान के अंदर ग्रे शेड होता ना, ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं होता। आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई बुराई होती है, कोई अच्छा इंसान भी होता है, उसकी कोई ना कोई बुराई होती है। वो कभी दुनिया के सामने आती है, कभी नहीं आती। तो कहानियाँ जो बनती हैं वो ग्रे शेड्स के ऊपर ही बनती है, इंसान की जो ग्रे पर्सनैलिटी होती है कि किसी की अच्छाई है और किसी की बुराई है। किसी की बुराई जो है उसकी अच्छाई पे हावी हो जाती है, किसी की अच्छाई उसकी बुराई पे हावी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं। हाँ, हाँ। तो इसमें भी ऐसा ही है, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इसी तरह के हैं। अच्छा देखो सच्ची बात है, ये तो रियल लाइफ की बात हो गई ना, जो आप लोगों ने एक साथ ड्रामा किया। लेकिन जब आप एक साथ ड्रामा करते हैं तो आपको रील के साथ साथ आपको अपने आप जो आपस के जो कलीग्स हैं उनको अपनी रियल लाइफ के बारे में, दूसरे की रियल लाइफ के बारे में भी अंदाज़ा हो जाता है। इतने ऑब्जर्वेंट होते हैं एक्टर्स कि उनको पता चल जाता है जिसके साथ हम काम करें उसकी पर्सनैलिटी क्या है और उसके अंदर क्या शेड्स हैं, क्या अच्छाई है क्या बुराई है। सो यहाँ मोमिना तुम खड़ी होगी हुमायूं के फेस के अंदर और हुमायूं जाएगा चेक करो तुम अपना के फेस और मेरे झुमके और मैं सवालात करूंगी तुम। अब सोच लो। अच्छा ठीक है, शुक्र करो मैंने पहनाए नहीं वरना तो मैं इस चीज में बदनाम हूं। ये देखे ना, ये मेरे आगे झुमके, दुपट्टा झुमके और मेरा ये नाखून वाली इसका बड़ा है मुंह, वैसे मेरा क्यों है? वो हुमायूं के हिसाब से बना है। हाँ मेरे हिसाब नहीं, ये बड़ा है मेरा, बड़ा तुम्हारा छोटा। तो हुमायूं को इसी में आना था, मैं इसलिए तो कह रही हूँ। ओके स्टार्ट। ओके, एक लव्स जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, यानी तकिया कलाम भी कहते हैं उसे ना। हाँ भाई हुमायूं, मोमना सबसे ज्यादा क्या यूज करती है बातों में? वो जब ज्यादा बात करी होती है तो नहीं, ये बात करती है। तकिया कलाम क्या है इसका? ये कहती है यार बात सुन। यार बात सुन हाँ। कोई बात करनी होती ना कि यार बात सुन, ये जो चीज है ना ऐसे। हाँ, हाँ। और तुम हुमायूं के बारे में बताओ मोमना। वो मैं कह रहा था कि सर अगर ऐसा हो जाए ना, हाँ। ये इसका हर बात पे यही शुरू होता है। वो मैं कह रहा था कि अगर हम इसको ऐसे कर ले तो। हाँ, एक खाना जो सेट पे सबसे ज्यादा खाते हुए देखा है, मतलब सबसे ज्यादा किसी एक जगह से खाना मंगवाना या कोई एक ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा खाते हुए देखा है सेट पे। अच्छा, हम तो सेट पे घर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, ठीक है, गंदे तेल घी की वजह से। हाँ। और मोमना जो है वो उसका हेल्दी फूड आता है जो कि वो अपने हिसाब से मंगवाती है, एक ही जगह से आता है ना वो। तो इसीलिए मेरा डाइट फूड आता है। डाइट फूड आता है, लेकिन हमारा केस सबसे ज्यादा क्या? ओ बस करो, वो कभी-कभी आता है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा क्या खाती है ये हेल्दी फूड में भी,
ब्रोकली आ रही होती है, चिकन और ये तुमने क्या, ये फ्रूट्स खाता है बहुत जो मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैं कहती हूँ कि उठा लो खा लो खत्म कर लो, मुझे फ्रूट्स नहीं पसंद ना, तो ये खाता है सुबह सुबह, फ्रूट्स ही नहीं पसंद है, स्मेल नहीं अच्छी लगती। हाँ ये देखो कोई इसकी स्किन और बाल देख के कहेगा कि ये लड़की फ्रूट्स नहीं खाती, उसको पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं खाती, नहीं कहो। ओह माय गॉड, तो ये वेजिटेबल्स में तुम क्या खाती हो मोमिना, ये क्या खाती हो? वेजिटेबल्स तो मैं सारी खा लेती हूँ, सारी खा लेती हूँ, उसका मसला नहीं। हाँ तो फिर ये ग्लो जो है ये वेजिटेबल्स, आपको पता है चिकन आता है तो मैं ज्यादातर चिकन खा लेती हूँ। ओके हाँ, किस चीज की अक्सर शिकायत करते हुए सुना है? फॉर एग्जाम्पल किसी को होता है गर्मी बहुत है यार, ये बिजली यार, ये ट्रैफिक यार, ये सड़कें, कुछ भी ऐसी शिकायत हुमायूं क्या करती है ज्यादा? ये गर्मी मेरे ख्याल में हम सबकी एक जैसी शिकायत है, गर्मी सबसे बड़ा तो वैसे भी पंजाब से आई है तो फिर ज्यादा लग रही होती है, और आज सीजन भी था ना जो हम शूट कर रहे थे, इतनी ज्यादा गर्मी थी। हाँ, और मुमना ये हुमायूं क्या शिकायत करते हैं? इसको हर बात पे शिकायत होती है, हर बात वैसे ये नहीं बोलेगा। हाँ। ठीक है, मतलब मैंने इसको कभी कहते नहीं सुना कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला दो, ये कर दो, मतलब इस तरह नहीं तंग करता। हाँ। लेकिन इसका एक पॉइंट होता है कि या इसको टाइम लेना होता है सुबह तैयार होने के लिए या कुछ भी, तो ये सुबह सुबह हो जाता है। हाँ। कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं रखा हुआ, ये तो ये नहीं, तो वो शुरू हो जाता है। होता नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप सुबह ये बहुत परफेक्शनिस्ट है, उफल्ला कि मुझे ऐसे ये चीज चाहिए। हाँ तो वो नहीं होती, फिर वो चिढ़ जाती, फिर वो चिढ़ जाती है। अच्छा अच्छा, कोई भी ऐसा गाना जो अक्सर जबान पे होता है, गुनगुनाते रहते होता है ना मुमना, कोई याद है तुम्हें हुमायूं गुनगुनाता रहते कोई गाना? मैं जवाब दूं इसका, वो गाने गुनगुनाते हैं जो सुबह आके लगाती है। ऐसा है? अच्छा, सुबह मैं गाने लगा लेती हूँ, लाइक ऐसे नहीं है कि हर दिन, लाइक कभी ऐसे होता है कि बहुत डाउन फील हो रहा होता है तो फिर हम गाने शाने लगा लेते हैं कि तैयार हो रहे हैं तो थोड़ा सा हलाबला हो जाएगा। हाँ। ना सुबह 10 से रात 10 11 बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। हाँ। तो वो एक ही रूटीन से कर करके बिल्कुल तंग आ जाते हैं। हाँ। ऐसा लगता है यहाँ से गए नहीं थे, गए नहीं थे। हाँ, ऐसा होता है, रात में घर गए, सो गए, सुबह उठ के वापस आ गए, लगता है यहीं पे थे, गए नहीं थे। मेहनत का काम है भाई, ये कोई आसान काम नहीं, वो भी गर्मी में सब कुछ पंखे वंखे बंद करके। और कुछ अरसे से तो लाइक इट्स मंथ और टू मंथ संडेस भी ऑन है तो फिर वो बिल्कुल ही पता नहीं चलता, नींद भी नहीं सही पूरी होती, जाओ मेकअप उतारो। यानी कि इस संडे भी हम काम कर रहे हैं, अरे संडे भी हम काम करेंगे, इस संडे भी किया। अच्छा ये सवाल मैंने तुमसे पूछा था, गाने तुम ये कौन से गुनगुनाती है? इसने कहा ना कि जो मैं लगाती हूँ वो ये गाता है पूरा दिन। और तुम मुझे जो सुबह ये तो ये वही तो है ना, मैं तो नहीं गुनगुनाती, सिर्फ अपने जोन में होती हूँ, अपने जोन में आती है। अच्छा कौन सा एक ऐसा मशवरा है जो ये हर किसी को दे रहे होते हैं आपस में, मतलब लाइक दूसरों को भी? तुम हुमायूं के बारे में बताओ, तुम मुमना के बारे में। हुमायूं मशवरे बहुत अच्छे देते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी मशवरा दिया विटामिंस खाया करो ताकत के लिए, वो मशवरे बहुत अच्छे देता है और बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो अच्छी बात करता है। अभी भी मुझे ब्रेक में एक मशवरा देने वाला है। हाँ। अच्छा तो और कम बोलता है लेकिन अच्छे मशवरे बोलता है। और किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा मशवरे देता है, आम लाइफ पर, किसी भी चीज के ऊपर? क्योंकि मैं ना समटाइम्स बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देती हूँ। हाँ। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो वो मुझे कहता है कि पैनिक मत हो। हाँ। बैठ कर इसको आराम से चीजों को, मतलब इतना काम है ना। हाँ। कि मुझे समटाइम्स ना मसले हो रहे होते हैं अपने कोई या कोई भी चीज के, तो मैं बहुत पैनिक हुई होती हूँ कि ये नहीं हो रहा, अब ऐसे नहीं हो रहा, मैं नहीं आ रही, तो इसका ये होता है कि काम डाउन कर देता है सबको, मुझे अकेले को नहीं, सबको, कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, पैनिक नहीं होता। ये मुमना के बारे में बताओ, ये किस चीज में मशवरे देती है? मुमना के पास मशवरे देने का टाइम ही नहीं है। ये असल में लड़कियों के पास नहीं होता ना टाइम, एक सीन खत्म हुआ और अगले सीन के लिए वो जो दो नाजिल हुए हुए खड़े होते हैं। हाँ। दो एडीज आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, वही एक इशारा होता है। हाँ। और बंदा कहता है यार तू तो रुक जा थोड़ी देर के लिए। हाँ। तो लड़कियों के पास तो नहीं टाइम होता, अगले सीन के लिए बाल भी चेंज करने हैं, मेकअप चेंज करना है, कपड़े चेंज करने हैं, मुश्किल है ऐसे। हाँ ये तो है। वैसे तो मशवरा कोई तो दे सकती हो यार, कभी दे देना। ठीक है, अभी तक दिया नहीं इसका मतलब, तीन चार दिन बाकी है। अच्छा अगर आपस में एक दूसरे का मूड ऑफ हो तो कैसे पता चलता है? मुमना कैसे पता चलता है हुमायूं का मूड ऑफ है, इससे जरा दूर ही रहे भाई?
इसका मूड तो सुबह आते ऐसे चुप होता है, चुप होता है। हाँ। ये तो बिल्कुल ही चुप होता है मुझे। हाँ। तो फिर कोई ना कोई बात चाहिए होती है, मैं आके गॉसिप शुरू कर देती हूँ, कभी किसी की कभी किसी की। हाँ मुझे हाँ। मतलब मुझे ये होता है कि पता है ये हुआ था फिर ये हुआ अब ये हो गया, लाइक अपनी बातें कर रही होती हूँ, मैं किसी की बात नहीं करती, मुझे अपनी बातें करने का बहुत शौक है। हाँ। इसको पता है मतलब मैं अपने आप में इतनी होती हूँ कि ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया, मुझे किसी का टाइम नहीं मिलता लेकिन अपनी बहुत सारी बातें करती हूँ। तो इसका ये होता है कि ये तो चुप होता है बिल्कुल, अगर इसका मूड ऑफ है तो ये रिएक्ट नहीं करता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मूड ऑफ है तुम बोलती रहती हो। हाँ ये खुद ही सही हो जाता है। और तुम बताओ अगर मोमना का मूड ऑफ हो तो कैसे पता चलता है? उफ लड़ बहुत होते हैं मोमना का, मोस्टली ये भी खामोश ही होती है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है ना जिसपे चिड़चिड़ापन होता है कि वही तैयारी अगर शूट पे ना हो, चीज़ें मौजूद ना हो तो फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है। हाँ, हो जाता है। फिर अच्छा वैसे तो ये चीज़ें तब नॉर्मल मूड भी हो ना तब भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। हाँ, तुमसे हुमायूं का पूछूं और हुमायूं मोमना का बताए कि कन्विंस करने का आसान तरीका क्या है? मेरे लिए तो ये है कि बी लॉजिकल। अच्छा लॉजिक्स दो, आप लॉजिक दो, मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको। हाँ। कोई जिद नहीं है किसी चीज पे। और मोमना तुम? मतलब मैं इसका बता कि अपना बताऊं? इसका भी बताओ। हाँ। अपना मैं क्या बताऊँ, अपना मेरा ये होता है कि अगर मुझे जो चीज़ पे मैं अड़ जाती हूँ ना तो फिर समटाइम जिसको लॉजिक भी हो तो मैं कहती हूँ कि नहीं करना। हाँ। ठीक है तो वो मेरा अपना होता है कि मैं अड़ गई हूँ तो मुझे अब ये नहीं करना। लेकिन इसका है कि अगर इसको प्यार से आप कन्विंस करते हो ना कि हुमायूं ऐसे कर लें तो कहेगा हाँ ठीक है जैसे सही लग रहा है कर लेते हैं। मतलब मैं होती हूँ समटाइम्स ना ऐसे हो जाती हूँ कि नहीं आ जाओ बैठ जाओ क्योंकि अब मैं बुलाने वाली हूँ। मैं जीत गई, जिम के उतार लो तुम। मैं जीत गई, कोई मुकाबला नहीं था। हाँ सिर्फ एक था कि मैंने कहा जब हुमायूं का सही से सूट तो दिखा दे। अच्छा लग रहा है, खड़ा होगी। ओके जी तो हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं इस वक्त वो यहाँ मौजूद हैं जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ और आप यहाँ देख रहे होंगे इस ड्रामे में एक तरफ आपको हुमायूं और मोमना नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको सलमान सईद और मिशा नजर आ रहे हैं, है ना। सो अभी मिशा थोड़ी लेट है, उनका घर दूर है, बहुत दूर से आ रही है, लेट हो गई है, लेकिन सलमान हमारे पास मौजूद है और उनसे पूछते हैं उनके कैरेक्टर को लेके। तो वेलकम टू सलमान सईद। अस्सलाम वालेकुम। उधर से आए पीछे से? नहीं मैं इधर से जा रहा हूं। अच्छा बेटे क्या हाल है, कैसे है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। हमजा, हमजा नाम है आपके कैरेक्टर जी, है ना? याद है ना? हाँ बिल्कुल। कितने महीने से शूटिंग हो रही है इसकी? 10 महीने से हो रही है। 9 महीने हो गए। कल ही चिकवा कर रहा था। 9 महीने हो गए। 9 महीने पूरे। क्या कैसा लग रहा है आपको ये कैरेक्टर करते हुए अपना? बहुत अच्छा, मजे का कैरेक्टर है। एक डिसेंट सा लड़का है जो बिजनेस करता है और एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, तो रोमांस भी है और फिर आगे चल के इसका कैरेक्टर भी थोड़ा आगे चल के प्रोमोस में देखा है ना, तुम कुछ करती हो, पता नहीं क्या होगा आगे चल के, तुम कुछ दाना डालती हो या कुछ ऐसा सीन है कुछ, मैंने देखा क्या होता है वो तो ट्विस्ट है, अब देखिए क्या होता है। तो वही पे कहानी में ट्विस्ट आएगा। लेकिन ये मेरे ख्याल में सलमान का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है, इसने इतना काम किया है लेकिन मुझे लगता है कि ये इसका अब तक का बेस्ट प्रोमिनेंट और बेस्ट कैरेक्टर होगा। क्या मुख्तलिफ है सलमान, इसलिए अच्छा ड्रामा मिल गया, एक्टिंग अच्छी आ गई, अब कर करके बच्चे को आ गया काम शायद, आप बताएं प्रोडक्शन हाउस ने कर लेते हो ठीक-ठाक एक्टिंग? नहीं नहीं सलमान संभालो बर्डन। सलमान बहुत नेचुरल एक्टर है और बहुत कंपोज्ड रहता है, मतलब ओवर एक्टिंग कभी भी नहीं करता सलमान, ओवर एक्टिंग नहीं करता। मतलब अंडर रह के और उसको बिल्कुल प्रिसाइजली देखता है, नेचुरल रहने की कोशिश करता है ये, उसको अच्छा लगता है कि ये नेचुरल परफॉर्म करे। तो मुझे कभी-कभी ये होता है कि अगर आपकी डायलॉग में इतनी पावर ना हो ना, लाइन में इतनी पावर ना हो तो वो कभी-कभी नेचुरल आपको बहुत अंडर लगता है। कभी-कभी आप एक जुमला बहुत सीधा बोलते हो लेकिन उन जुमलों में इतनी ताकत होती है कि उसका इंपैक्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इतनी सही आपने बात की कि कभी-कभार कुछ जुमलों को सीधा बोलना चाहिए ताकि आप उसको हम हई में एक और ज्यादा एक्टिंग करके दीवार के पास खड़े हो गए। एग्जैक्टली वो खराब हो जाता है। कभी-कभी लोग कहते हैं यार ये तो लग ही नहीं रहा कि एक्टिंग करो, तो मैं कहता हूं कि आप मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो? एग्जैक्टली, क्योंकि मैं आपको बेवकूफ बनाने में इसका मतलब कामयाब हो गया। आजकल एक्टिंग का फॉर्मूला एक्चुअली बदल चुका है। एक जमाने में होता था दीवार की तरफ मुंह करके डायलॉग्स बड़े बड़े एक्टर बोल रहे होते थे, वो जमाने का स्टाइल था,
हर जमाने में जैसे डायरेक्शन का, प्रोडक्शन का, कैमरा, हर चीज बदलती है, तो एक्टिंग के स्किल्स भी बदलते हैं, और नेचुरल वाली चीज बड़ी क्या कहते हैं सेफ रहती है। और जब आप खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं उस वक्त आपका एक मूड होता है, लेकिन आपको अपने मूड के अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपने उस लाइन के और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। डायरेक्टर भी शायद फॉर अ टाइम बीइंग अपने किसी ट्रांस में, लेकिन जो व्यूअर उसको देखेगा बाद में वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है, और वो एक लाइन ना उसको जाके हिट कर रही होती है, हमें लगता है कि यार ये क्या लाइन है, इसको बस जान लगा के बोलो, स्क्रिप्ट देख के समझ भी नहीं आ रहा होता कि क्या चीज निकली। पर ये जो लॉन्ग सीरियल्स होते हैं ना, इसमें कोशिश करनी चाहिए कि आप, क्योंकि आपके कैरेक्टर में थोड़ा चेंज आता है एंड में, शेड्स आते हैं, तो आप शुरू से एक जैसे नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। तो इसमें मैं शुरू में बिल्कुल सीधा हूँ, उसके बाद अपने रंग दिखाएगा, फिर आगे से फिर वही जो ऑलमोस्ट हर प्ले में एंड में मेरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो क्या अगर मैं आप पूछूं कि क्या पॉजिटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है? पॉजिटिव है, नेगेटिव सिर्फ यही है, नौकर की बेटी। नौकर की बेटी बहुत प्यारी, मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं तो अपने आप को स्क्रीन पे अच्छा ही नहीं लगता ना, मैं देखता हूँ, वो तो कोई भी नहीं अच्छा लगता खुद को, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सब अच्छे आ रहे हैं और पता नहीं मैं क्या लग रही हूँ। मैंने ये दो एपिसोड, मतलब एपिसोड अगर आप देखो ओवरऑल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे खुद को इतना अच्छा नहीं, लाइक अपना आप नहीं अच्छा लग रहा। एक बात बताऊँ, हर वक्त आप अच्छे भी नहीं लग सकते और लगना भी नहीं चाहिए, आपको डिफरेंट लगना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा कम आप, वरना फिर लोग यार ये तो ऐसे ही लगता है, ये ऐसे ही लगती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सही लग रही हो, वेलवेट केक। किसी ने कमेंट किया हुआ था वेलवेट केक। आपको पता है हमारे सेट पे ना ये हनी बनी है, मतलब ये कभी सीरियस नहीं हो सकता, और समटाइम्स बहुत सीरियस सिचुएशन चली होगी ना, ये ना जैसे एक बंदे को पॉपकॉर्न रख रही होता है ना, पॉपकॉर्न खा रहे और देख रहे क्या चल रहा है, फिर कहेगा मेरी सुनो बस कर दो तुम लोग, मतलब इसका ये होता एवरी टाइम, अच्छे मूड में पॉजिटिव। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, इनको लगता है ताल्लुक लखनऊ से, सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, आज सुबह सुबह कितना पॉजिटिव अच्छा सा माहौल है, और ये टीम अच्छी लग रही है, सब एक आप देखें ट्रायंगल बना हुआ है, सब तारीफ कर रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुमने तारीफ करनी है, फिर आपकी बारी, आपने उसकी करनी है, ब्रेक के बाद देखेंगे। हम कुछ सोच के नहीं आ रहे। Excuse me, आप बार बार मेरी पिक्चर्स में आ रहे हैं, साइड पे हो जाए प्लीज। I'm sorry, actually वो साइड स्पेशली हमने अपने कस्टमर्स की ब्यूटीफुल करने के लिए बनाई। हमने मतलब? I'm Kabir, owner of this restaurant. मुझे लगता था कि मैं इग्नोर करने वाली शख्सियत हूँ नहीं, आपने तो दिल ही तोड़ दिया। पर मैं तो ऐसी ही हूँ। हुस्न हो तो नजाकत आ ही जाती है। मैं कबीर के लिए पलक का हाथ मांगना चाहती हूँ। मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। आपको हजम नहीं हो, एक नौकर की बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ गया और आपकी बेटी घर में बैठी है। तुमने अपने घर में बला पाल रखी है, बला जो आहिस्ता आहिस्ता सब हड़प कर। वैसे एक बात बताओ, ये नवाल तुम्हारी सगी बहन ही है ना? उन्हें भी तो पता चले जिसे हीरा समझकर लाए थे वो तो कोयला निकला। ये घर तो मैंने ले लिया है आपसे, बहुत जल्द कबीर को भी आपके चुंगल से छुड़वा लूं। आलिया भाभी की मैं जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, जितनी कदर करता हूँ, सब जानते हैं अच्छी तरह। इनफैक्ट मैं उन्हें माँ का दर्जा देता हूँ। आलिया भाभी ने आज मुझे धक्का दिया, पहले बात तो सिर्फ बातों तक थी, अब तशद्दुद तक आ गई। तुम कुछ भी कर लो, एक दिन तुम्हारे इस मासूम चेहरे से नकाब उतर जाएगा। जो आपको लगता है ना कि इसके घर के साथ साथ आप मेरे शौहर को भी कंट्रोल कर लेंगे, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसे मेरी वार्निंग मत समझिएगा मुझे। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं 8 अगस्त से ARY की स्क्रीन्स पर रात 9 बजे मंडे टू फ्राइडे, ये ड्रामा जिसका नाम है एहसान फरामोश। 3 सेलिब्रिटीज से मैं आपको मिलवा चुकी हूँ जो इस ड्रामे में एक्ट कर रहे हैं, और चौथी अभी इस वक्त मेरे पास
मौजूद हैं। मशा अस्सलाम अलैकुम, कैसी हैं? How are you doing? मैं मुझे याद ही नहीं कि तुम हो, मैं मिशल 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 बोली जा रही हूँ। ओ ये तो मशाल मशल अभी भी गलत बोल रही हूँ। You've known me 4 years. हाँ, कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं, है ना? तुम्हारा कैरेक्टर है नवाल का कैरेक्टर और एक मासूमाना कैरेक्टर है तुम्हारा, जो मुझे प्रोमोस को देख के लग रहा है। तुम्हारे भी, तुमने भी बड़े डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, लाइक कभी वैम्पिश कैरेक्टर करती हो, डेफिनेटली। और इस ड्रामे में तुम्हारा कैरेक्टर एक मासूम लड़की है, वो एक अच्छी लड़की है, एक सुलझी हुई मेहती, जी एम मल्टी नेशनल जो हमने बनाया है आपस में, उसको डेजिग्नेशन अभी तक कोई जाहिर हुई नहीं है, लेकिन व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि वो एक जी एम है ऑफ लाइक मल्टी नेशनल कंपनी, सो बहुत लायक और बहुत काबिल, एंड उसको अपना कुछ इतना फिक्र नहीं है कि मैं कैसी लग रही हूँ और मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसको होता है कि वो अपनी बहन का ख्याल रखे, वो अपनी माँ का ख्याल रखे, वो इसी में खुश है। सो वो वाली चीज़ है। yeah. अभी अब देखना ये है कि भाई क्या है। वैसे क्योंकि आपके ड्रामे का नाम एहसान फरामोश है, सो मैं ये चाहती हूँ कि आपकी जो हीरोइंस हैं वो आप पे कोई एहसान करें। आप लोगों को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, थाने में जाएं आप, आप दोनों लड़के जो हैं वो जेल के पीछे जाएंगे, जेल में जाएं, चलो ठीक है, और लड़कियाँ हमारी जो हैं वो बजेस पे जाके खड़ी हो जाए, और आप लोगों ने लड़कों पे एहसान करना है क्योंकि आप लोग ही इनको छुड़वा पाएंगे। ठीक है, अब होगा ये स्क्रीन पे मोमना कैसे देखेगी, यहाँ यहाँ आएगा क्या? आ रहा है, आ रहा है, नजर आ रहा है। ओके, स्क्रीन ये देख रहे हैं ना आप, नजर आ रहा है आप दोनों को भी? जी, ठीक है। इस स्क्रीन पे हम आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें दिखाएंगे और उससे हम सवाल करेंगे। मैं यहाँ बैठ जाऊँ ताकि आप इन लोगों को नजर आए। I'm suddenly realizing maybe I don't know Salman that well. कहाँ है या? ओके, नजर आ रहा है ना किसी का? मैं विजन तो नहीं ब्रेक कर रही, नहीं स्क्रीन पे नजर आ रही है। ओके ठीक है, स्क्रीन पे पहला सवाल दीजिए प्लीज। ओके, इन दोनों में से ये किसकी बच्ची है? मैंने जुनैद के साथ काम किया हुआ है, सो आई नो इट्स हर हिज डॉटर। ओके, ताला खोल दीजिए भाई। अरे वाह, ताला 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 मैं खोल देती हूँ, चलो क्योंकि क्योंकि आपकी लड़की ने आपके ऐसा किया है। एक ताला खुल गया। सवाल दूसरों के हैं क्या? मतलब मुझे नहीं ये सब पता होगा फिर तो, बिल्कुल तुम्हें नहीं सब पता। ओके नेक्स्ट सवाल। ओके, एमन है ना ये? एमन के कितने 11.5 दिखाइए भाई एमन के कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं? 11.5। और सलमान का एक ताला और खुल गया। दूसरा ऐसा तो जल्दी बाहर आ जाओगे, मुझे पता था मैं कैदी रहूंगा। सोच लो, गिन-गिन के बदले लूंगी। ये इतनी पक्की कुंडी है कि ये मुझसे नहीं खुल रही, जिसने बनाई है खुद खोले। हाँ, तालियां हटा रही हूं। ओके, तीसरा सवाल दिखाओ भाई, ये कौन है? आई नो, फवाद खान एंड फिरोज खान का मिक्स हुआ है। ये कौन लड़की है? फवाद की ये मॉर्फिंग हुई भी है, फिरोज खान एंड फवाद खान। अल्लाह, भारी आ जाता हूँ। सलमान, तुम्हारी लड़की बड़ी तेज है। सुबह तुम कौन सी क्लासेस लेकर आई हो? हाँ भाई, मैं तमाशा बाकायदगी से फॉलो कर रही हूँ, एंड हम दूसरे भी रियलिटी शोज देख चुके हैं जिनके हम नाम नहीं ले सकते अभी टीवी पे, लेकिन मैं और मोमिना और एसटी साथ में मिल के वो शोज देखते हैं, तो वे वेरी लाइक, वो एक जज्बा होता है ना गेम्स का, तो वो है। ओके, अच्छा अब हम दो गाने एक साथ मर्ज करके चला रहे हैं तुम लोगों को पहचानने। रेडी हो? यार आई एम बैक, तुम पीछे रहो। और एक मुझे आप अपने अंग्रेजी टाइप है सलमान सईद, मुझे दोनों गाने नहीं पता, I don't recognize them. नहीं, मुझे एक तो समझ आया लेकिन मुझे वो समझ। चलो एक बताओ, शायद मैं तुम्हें पॉइंट्स दे दूं। आइटम सॉन्ग नहीं करूंगी, माया का है शायद वो वाला, I don't know. मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी। दोनों हुमायूं भाई की फिल्म के गाने हैं। बिल्कुल सही पहचान, पता होगा लड़के तुम्हें ये बता सकते हैं खुद। सलमान एक ताला, एक जवानी पिंडी आनी का और एक पंजाब नहीं जाऊंगी का शायद। कौन सा गाना है बताओ, तुम बता दो ना। मुझे नहीं पता यार,
नहीं पता अगर तुम सुबह की ये वाले गाने बजाती तो बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई दिल वेख वेख के कुड़दाई सन लौर तेरे ते मर्दानी लग बदला तेरा बलखावे ये भी जवानी फिर नहीं आनी मैंने कभी सुना ही नहीं है कभी नहीं मैंने ये दूसरा वाला सुना हुआ लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद है ओके भाई किसी ने कुछ नहीं बताया नेक्स्ट सवाल ओके ये किसका बच्चा है इकरा किसने बचाया मैंने पहले बजाया था लेकिन कबीर है इसका ना हां तो किसने बाजर किसने बजाया इसने बजाया मोमना मोमना ताला खोलो तुम अरे कबीर ने कबीर का ताला खुलवा दिया कबीर ने कबीर का ताला खुलवाया ओके हां भाई नेल ना टूटे नेक्स्ट आज अपनी ये सज्जल के कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं 9.8 तो बताओ जवाब ये वो चेक ही नहीं करते तुम 10.8 कर दो ना क्या पता 10.8 हो गए उसको नहीं 10.8 9.8 ही है शायद हां लेकिन उसने जवाब दे दिया ना ये हाँ. चलो भाई दिखाओ कितने हैं 9.8 मिलियन फॉलोअर्स 10 मिलियन हो जाते तो वो ताला खोलेंगे भाई ताला खोलेंगे मेरी यही लॉजिक थी मेरी यही लॉजिक वो आ जाता है ना क्या लॉजिक थी तुम्हारी क्योंकि 10 मिलियन हो जाते ना तो वो इंस्टाग्राम पे आ रहा होता सब जगह अभी 10 हुए नहीं है इसीलिए अच्छा ओके नेक्स्ट अल्लाह ये तो दिस इज दैट उसामा उस्मान खालिद बट एंड उस्मान खालिद बट और नो उस्मान जो वो एदे वफा में था वही हां उस्मान खालिद बट ना एंड अहद रजा मीर क्या अहमद अली अकबर या अहद रजा मीर नहीं अली रहमान अच्छा अली रहमान एंड उसामा दो रह गए उनके जेल से बाहर घूम रहे हो जेल में जाओ यार मैं चाहती हूँ ये जेल में रहे मैं चाहती हूँ बाहर ही ना आए ये तुम जानबूझ के आजाद करवा रही हो उसको तुम क्योंकि नहीं करे नहीं मैं चाहती हूँ हमजा बाहर आ जाए हाँ अच्छा ओके नेक्स्ट सवाल ये किसका बच्चा है हमजा अली हमजा का बच्चा किसने बजाया मैंने बजाया ही ओके हमजा का बच्चा है ये मैंने गेस किया है बाय द वे आई हैड नो आईडिया मुझे लगता है तुम सारा दिन जो है ना वो मोबाइल पे बैठी रहती हो और तुम्हें सब खबरें नॉट एट ऑल आई विश ऐसा नहीं है नहीं तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है फोन करके बताते हैं आई एम गेसिंग करके बताते हैं ही हैज द सेम नोज अच्छा ओह नाइस दैट्स मुझे नॉस्ट्रिल्स की सिमिलैरिटी लग रही थी अच्छा नहीं ये तो पिक्चर इसकी बहुत वायरल हुई थी ओके नेक्स्ट पिक्चर नेक्स्ट मुझे खुद नहीं आ रहे लगा दो तुम जेल के पीछे जाओ ना वो आएगा छूटने वाला हूँ मैं भाई एक तो शायद वजाहत रऊफ की फिल्म का गाना है अच्छा चलो सवाल आई थिंक 7.6 मिलियन 8.5 ओके देखो भाई किसका सही है जवाब 7.6 तो जो मैडम आखिरी ताला है वो भी खुल गया एक भी जवाब दे नहीं रहे और जो दे रहे वो भी गलत दे रहे एक भी इसके ऊपर वाला जाता है हमजा बाहर आ जाओ खुल गए मोमना एक तुम जवाब दे नहीं रहे और जो दे रहे वो भी गलत खुल गया डन ही इज फ्री ओ भाई जीत गए वापस आ जाओ जेल से अरे मेरी भी कोई जमानत बाहर आ गया तू बाकी शो में तो अंदर ही रहेगा मेरी भी जमानत करवा दो कोई यार मेरा ड्रामा मत खराब करो तुम इसको देखो क्या ये प्लॉट बता रहा है ऐसा ऐसा क्या नहीं नहीं मैंने इसको मैं तो इसीलिए मजाक से गई थी हमजा बाहर आ जा तू अंदर ही रह हमारे ड्रामे में ऐसा होगा हां वो हमें आगे प्रोमो देख के कबीर अंदर ही हो तुम अच्छा एग्जैक्टली ये सीन है क्या सीन है एक ऐसा ना मैं इसको कहूंगी तुम अंदर ही रहो हमजा तुम बाहर आ जाओ तो इन तीनों ने तो बताया अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में कुछ सलमान ने भी बताया अब मुझे उसके नाम लेते ना डर लगता है मशल मशाल
इतने सारे ऐसे नाम होते हैं ना, जो मछलेरा बस अब ये याद रखो। तो मछले तुम बताओ, तुम्हारा जो ये कैरेक्टर है, तुमने जान के ऐसा हुआ कि तुमने पॉजिटिव चुना कि भाई बहुत नेगेटिव कर लिया? डेफिनेटली आए, पता है मैंने इससे पहले ये एक ऐसा नेगेटिव किया था, बिल्कुल जैसे मोमी का कैरेक्टर है ना, इट वाज ऑलमोस्ट जस्ट लाइक दैट। एंड वो भी अपनी बहन के साथ, एंड बहन बहुत स्वीट होती है एंड ये सब, एंड आई कांट हैंडल इट लाइक फिजिकली। पता है वो सीन्स जब बहुत नेगेटिव होता है फिर मैं बहुत ज़्यादा हैवी कर लेती हूँ अपने आप पे, फिर आई गेट इमोशनली एग्जॉस्टेड। सो आई डिसाइडेड कि नाउ आई डोंट वांट टू डू कैरेक्टर्स। ये मोमिना के साथ भी होता था है ना, और तुम्हारे साथ भी हो रहा है। इट्स टू मच, ये नेगेटिव में हर किसी के साथ, पता है आई डोंट नो लड़के किस तरह कैरी करते हैं, लड़कियों में होता है, लड़कों के जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना वो जस्टिफाइड नेगेटिव होते हैं, वो उनकी बैक स्टोरी देते हैं, बताते हैं कि ये इस तरह से क्यों बना, इसके साथ ये हुआ था। हमेशा नहीं होता यार, अ लॉट ऑफ टाइम्स आई फील लाइक बॉयज आर गिविंग बैक स्टोरीज, गर्ल्स आर। तुम लोगों को फील हो रहा है, आप दोनों ने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स किए होंगे अपने करियर में, आप लोगों को कैसी फील ने किया ना? मैंने नेगेटिव इससे पहले ही नेगेटिव कैरेक्टर किया, और मैंने पहले दिन डायरेक्टर को सेट पे बोल दिया था, मैंने कहा अगर मैं कुछ मेरा बिहेवियर ठीक ना हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज मेरा जो कैरेक्टर है मैं उस कैरेक्टर में जब होऊंगा तो हो सकता है कि मैं वो शेड मेरे अंदर आए ऑन सेट। ओके, तो मैंने उसको पहले ही कह दिया था, मैंने कहा प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखना। नहीं यार, हाँ बात नहीं करती थी, लेकिन अब इस कैरेक्टर के बाद से ना इसकी वजह से हुआ ये सब कुछ, इसके साथ इतनी बहस कर करके सीन्स में ना जो हमारी स्क्रिप्ट लिखा हुआ, अब वो मुझे ऐसी आदत पड़ गई कि मैं हर वक्त बहस करने के लिए तैयार हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये हारे, ये चुप हो, ये प्रैक्टिस हो गई इसकी, गलत हो गई, ड्रामा करके गलत हो गई। वैसे ड्रामा करके ना और स्क्रिप्ट्स पढ़ पढ़ के उर्दू बड़ी अच्छी हो जाएगी, मोस्ट डेफिनेटली मेरी तो ना होगी। अरे भाई मेरी तो स्क्रिप्ट से बड़ी उर्दू। अच्छा, नॉर्मली मैं कैरेक्टर्स को अपने ऊपर हावी नहीं करता, जब मैं सेट पे पैकअप हो गया वो बस वहीं खत्म, घर चले गए वो सब भूल जाए आप, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर हावी हो जाता है। कभी ऐसा होता है इन लोगों के साथ तो ज्यादा हुआ है, ज्यादा इसको कंसीव कर लेते हैं। तो सलमान तो आपके ऊपर कोई कुछ हावी नहीं होता, सीन कट होते ही खत्म हो जाता है। ये तो सीन है, सीरियस हो जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है, सीन में असर होता है फिर रोना शुरू कर देता हूं। हम रो पड़ते हैं, सीरियस हो जाओ। अच्छा, मैंने इन लोगों से भी पूछा था और आप दोनों से भी पूछूंगी कि जैसे एहसान फरामोश जो आपका ड्रामा है उसी से रिलेटेड ये सवाल है कि आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में किसने आपके ऊपर एहसान किया है, कौन सा ऐसा रिलेशन है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसका एहसान है आपके ऊपर? मुझ पे तो नहीं एहसान हुआ अभी तक किसी, मुझ पे तो एसटी का बहुत कहेंगे हमारी ज्यादतियां ही हुई है, सब कहेंगे हमारियों का एहसान नहीं है। क्यों, हमारियों का तो फर्ज है एहसान किस बात का, तो भाई है। और इसको और ज्यादा काम करना चाहिए था, इनफैक्ट उस रिलेशन और उस रेफरेंस के बगैर, लेकिन शायद इसका ये ड्रॉबैक है, रिलेशन में आगे उल्टा हो गया, उल्टा सलमान is such a good actor. कल भी हमने एक सीन किया था, बहुत सारे लोग जिनकी हुमायूं से नहीं बनती होगी ना वो इसको कास्ट नहीं करते होंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन शुड बी लाइक दैट। मुझे ये भी हैरत होती है कि हुमायूं भाई से किसकी नहीं बनती होगी, ये भी है, वो फेस पे सबकी बनती है लेकिन वो पीछे वो प्रोफेशनल जेलेसी होती है ना पीछे, तो इसीलिए होते हैं कुछ कमजोर लोग जो नहीं, एग्जैक्टली तो वो, लेकिन हम सब ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि सलमान सईद डिजर्व्स सो मच मोर। हर बीमारी हर सिकनेस हर चीज के थ्रू वो भी जानती है, वो मेरा कितना हर चीज में मेरी कितनी हेल्प करता है, जहाँ उसका बनता भी नहीं है वहाँ भी हेल्प करता है। सलमान आप सोच लें, सलमान बेगम का नाम ले लो, खुश हो जाएंगे पूरी महीना, अच्छा हो जाएगा, रोज एहसान करती हूं। ये देखो बेगम, और मैं एहसान फरामोश हूं। वो तो मुझे यकीन है, एवरी मेंस आर, हो सकता है बिल्कुल, थोड़ा सा ब्रेक ले। मेरे कुछ दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन नाम नहीं लोगे तो क्या मतलब, उनको कोई नहीं जानता लेकिन वो अच्छे हैं, वो समझ जाएंगे कि मैंने के नाम उनके एहसान नहीं है लेकिन उनके फेवर्स हैं, लेकिन मैं वो भी समझता हूँ उनका फर्ज है।
ये सबसे छोटे होने के लिए दीजिए जिंदगी में, क्योंकि मैं उनको अपने दोस्तों से ज्यादा समझता हूँ, मेरे भाइयों की तरह। मैं उनसे जितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं उनको बोलता नहीं हूँ कभी भी, जो मेरे लिए करते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये शो में आप लोगों को रात को दिखाऊंगा कि देखिए मैंने आपका गायबाना नाम लिया। एक छोटे से ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेकिन आप इन चारों को एक साथ और हमारे शो के अलावा कहाँ देख सकते हैं? जी हाँ, ARY स्क्रीन्स पर रात 9 बजे मंडे टू फ्राइडे आप देख सकेंगे एहसान फरामोश में। गुड मॉर्निंग। कुछ लोग होते ही ऐसे, कब किसी की जिंदगी में उजाला बनकर आते हैं पता ही नहीं चलता। मैं चाहता हूँ कि आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी में उजाला बन जाए हमेशा के लिए। पता है नवाल, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इतनी सोपर सी है, इसके साथ नवाल जैसी लड़की ही सूट करेगी। मुझे नवाल नहीं, मुझे फलक पसंद है। मैं कबीर के लिए फलक का हाथ मांगना चाहती हूँ। मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। अगर आप ये रिश्ता नवाल के लिए लेकर आई होती यकीनन मैं हाँ कर देती। मैं सोच रही थी कि अगर हम उनसे नवाल के लिए एक मिनट बात। मुझे नौकर की बेटी कहते थे। नौकर की बेटी इतने बड़े घर की मालकिन बन गई है। कितना मजा आएगा जब इनका चेहरा देखूंगी। अब हर किसी की किस्मत मेरे जैसी तो नहीं होती। मैंने तुम्हें मना भी किया था ना कि तुम मॉडलिंग नहीं करोगी, उसके बावजूद भी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इस तरह क्या हासिल होगा तुम्हें सिवाय अपने और दूसरों की बर्बादी के? तो क्यों, she is playing games with me. मेरे रास्ते में कांटे बिछाएंगे ना तो खुद उनमें उलझ जाएंगे। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किलों से संभाला है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक बार फिर वही सब कुछ सह सकूं। मैं मानता हूं कि मैंने गलती की, गलती इतनी बड़ी भी नहीं कि सारी उम्र की सजा दी। पहले मुझे पूरे ऑफिस के सामने रुसवा किया, अब मेरे घर तक पहुंच गए हो। आखिर चाहते क्या तुम हमजा? पहला मरहला तो सर हुआ, ये दीवार तो गिर गई। अब हमजा को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब तुम लोग ऑनियर ना बोल देना ये। और क्या, बहुत सारी बातें ब्रेक में होती है और ब्रेक के बाद जो बातें होती है अब हम वो करने वाले। इन चारों को आप एक साथ देख रहे हैं ARY डिजिटल की सीरियल एहसान फरामोश में रात 9 बजे मंडे टू फ्राइडे की रट्टा वाली चीज मैंने बोल दी। तुम लोगों को याद है कितने बजे आता है तुम लोगों का ड्रामा? 9 बजे मंडे टू फ्राइडे। कैसे भूल सकता है, हमें 10 महीने यही तो याद कराया कि 9 बजे आना है। तुम लोगों के अलावा कौन कौन है इस ड्रामे में? चलो जी शुरू हो जाओ। फवाज लाल, दानिया अनवर, सदफ अशान, अतीका ओडो, हुमैरा असगर, मेरा अली, फवाज जलाल, दानिया अनवर, अतीका ओडो क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? असगर हिज मदर। अच्छा, ओके। इसकी किसकी सासू माँ है, वो किसकी किससे शादी हुई है? आप ये मत पूछो, आप ये मत पूछो। सासू माँ किसकी है, अम्मी किसकी है? वो हम सबकी है। नहीं, मदर तो उसकी है। मदर इसकी है ना, सलमान। अच्छा, सदफा शान इज आवर मदर। मेरी सगी, इसके कोई अम्मी अब्बू नहीं है। इसके अम्मी अब्बू लेस। स्क्रिप्ट बहुत क्राउड हो गया था तो यतीम मिस्कीन, यतीम मिस्कीन। बजट भी तो बचाना है, कितने अब्बा डाले। नहीं, इसमें भाई और भाभी है ना। अच्छा, भाई ये एक अच्छा हस्बैंड होगा इसमें। इस पूरी स्क्रिप्ट के बाद जिस तरह मैंने इसके साथ काम भी किया ना, जब जिस चीज़ पे मुझे क्वेश्चन उठाना चाहिए था ना कि ये यहाँ पे मेरे साथ ऐसे क्यों करेगा, वहाँ पे ये बोलता था, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँगा, अपनी बीवी के साथ कौन ऐसे करता है, ये तो मैं उसको जान के तंग कर रहा हूँ ना, फिर तो वो लड़ेगी मेरे साथ। ये हर बात में इसको जस्टिफाई करता था कि अब मैं उसको तंग कर रहा हूँ तो वो तो फिर जाहिर ऐसे ही करेगी। नेगेटिव कैरेक्टर तो है इसका, लेकिन इसके साथ कहीं कहीं ज्यादती भी हो रही है जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो रही है। शौहर को नहीं करना, मतलब कोई भी इंसान बोला, अगर आप इतना बोले ना कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम वो क्यों कर रही हो, तो दूसरा बंदा जिद में आके फिर बोलेगा चलो तुम बोल रही हो तो मैं कर ही देती हूँ। उसको बहुत ज्यादा अनॉय किया जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे अपना कैरेक्टर भी कहीं कहीं थोड़ा इरिटेटिंग लगा था बहन के मामले में। मतलब जिस तरह इसने मुझे पूरे सीरियल में, रियल लाइफ में तो करती है, लेकिन ड्रामे में भी जिस तरह इसने मुझे पैम्पर किया एक बड़ी बहन होकर। एक तो आप ही नहीं बोला जा रहा था पहले, सबसे बड़ा मसला ये था। इतना तू धड़ा के इतनी बदतमीजी से एक दूसरे से रियल लाइफ में बात करते हैं, बिकॉज वी आर सो क्लोज। तो जब जब पहले दिन इंसर्ट ने बोला ना ऐसे आप ही, तो एक तो वी वर लाइक, अच्छा मैंने बोल दिया आप ही, मैंने कहा आप ही तुझे, आप ही तुझे,
सर कहते हैं तुझे कहाँ से आ गया, मैंने कहा सॉरी सर मैं उसको आप ही नहीं बोल सकती। इतनी बहस हुई फिर जब सर का मुंह मैंने देखा ना मैं डर गई, मैंने कहा अच्छा आप ही आप, इतनी मुश्किल हुई वो पूरा दिन आप ही, मतलब इसको हमें हंसी आई जाए। अम्मी को अम्मी बोलने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अम्मी को नहीं हुई, सदफ जी को तो सदफ जी बोलते हैं तो फिर अम्मी को अम्मी बोलने में भी प्रॉब्लम। अब ये ड्रामों में क्या मसले होते हैं वैसे, क्या चीजें जो लोगों को मुश्किल लगती है, जैसे रोमांटिक एक्टिंग या गुस्से वाली चीखने वाली, क्या चीज मुश्किल? आई टेल यू मुझे क्या मुश्किल लगता है, जब ये लड़के इतने करीब आके आंखों में आंखें डाल देते हैं ना मुझे बहुत शर्म आती है, मेरी हंसी निकल जाती है एवरी सिंगल टाइम। मुझे तुमने कुछ और बोला, क्या बोला था मैंने तुम्हें? सलमान हो ना, बकवास नहीं करो। तो तुम्हें रोमांटिक सीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है? तुम दोनों के हुए कौन से रोमांटिक? हुए दबाव के हुए शुरू में। मुझे तो वो सीन करना मुश्किल लगता है जिसके, लेकिन वो मुझे कोशिश करना होता है क्योंकि हर बुरे स्क्रिप्ट के ऊपर आपको इतनी जबरदस्ती की एक्टिंग करनी पड़ती है कि वो जस्टिफाई हो किसी तरह। रोमांस भी अगर कोई बुरा लिखा हुआ है तो वो मजा नहीं आता। मेरा तो था ही नहीं, मैं तो बस अपने में इतनी। तुम्हें क्या बुरा लगता है करना, मतलब इन द सेंस ये अनकंफर्टेबल होती हो क्या, कौन सा वाला करने में? नहीं वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी लड़के ने, किसी हीरो ने, किसी एक्टर ने अनकंफर्टेबल किया, कभी किसी सेट पे नहीं हुआ। मुझे भी नहीं किया। लेकिन नहीं हम एक वैसे बात करें रोमांस की भी, अगर बात करें तो आपको पता है कि अगर मास्टर हो रहा है तो वो एक कैमरा ऐसे एंगल पे पड़ा होता है आपको लगता है वो बहुत क्लोज है, लेकिन जब क्लोज होता है तो वो बंदा सामने नहीं भी होता तो आप कैमरे के साथ आपका चल रहा होता है तो वो पब्लिक को या आप देखने वाले को लगता है कि बहुत क्लोज है या ये ऐसे बैठे हैं। वो अगर ओटी भी आ रहा होता है तो वो बंदा अगर आपको नहीं भी देख रहा तो पता नहीं चलता आप अपनी एक्टिंग कर रहे हो। तो बंदा आगे से बोलता है यार थोड़ा ऑनेस्टली बोल लो, मतलब इतनी क्या मुश्किल। जो क्यूज देने वाले होते ना वो जाहिर है एक्टर्स नहीं होते अगर, तो वो जिस तरह सफाइयों तो हर वक्त अवेलेबल रहा है, मतलब दोनों लड़के बहुत अच्छे थे पूरा टाइम ही, मतलब मुझे इतना हंसाता था कि ये तो सबके साथ ऐसे करता है, प्लीज बैठ जाओ सबके साथ ऐसे। मुझे ये होता है लेकिन ये वो एक्टर का सीन ना प्रॉपर हो लेकिन जब हमारे हो रहे होते हैं क्लोजेस तो वो खड़ा रहता है कि नहीं मैं। अच्छा अपनी लुक्स को लेकर कौन कॉन्शियस हो रहा होता है ज्यादा, बाल सही बने जरा मैं मेरी स्किन सही आए क्या ये? मैं तो नहीं, ये मेरे तो एक सीमेंट वाले बाल बन जाते हैं उसके बाद तो पूरा भी नहीं हिलाता उसको। मेरे बालों के साथ बहुत इशू है लोगों को, सलमान के बालों के साथ दूसरों को बहुत इशू है, इससे इसमें जाने को इशू नहीं है। ये खुद भी तो ऐसे बार 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 हो जाता है ना, सब इतना बोलते हैं फिर के सलमान के बाल। कोई चीजें नेचुरल भी तो होती है, नेचुरल होती है लेकिन फिर दुनिया के ड्रामे देखते हो पसीना आता है के बाल आने। नहीं लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है बाकी बालों में, तो सलमान को बालों में प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं होती, दूसरों को होती है। दूसरे क्या कहते हैं? नहीं कुछ लड़के बहुत कॉन्शियस होते हैं हमारे सेट पे, कॉन्शियस लड़के नहीं। नहीं दूसरे क्या कहते हैं कि कोई भी नहीं था, मतलब मेरी लुक्स ज्यादा थी लेकिन तुम तीनों में से भी कोई ऐसा नहीं था कि मेरे बाल खराब हो गए हैं कोई, तो क्या हो गया इसके अलावा? मैं जब तक बुरे ना लग रहे हो आई थिंक वो ठीक होता है। क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसकी सुन या अलग शो चल रहा है इसने भी कुछ किया। लड़कों को बाल इतने फिक्स नहीं करने चाहिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ टीवी पे हर किसी लड़के के सेम बाल बने हुए सबके सेम, यहाँ से वो लड़कियों की तरह ना यहाँ से उठे हुए इतने जा रहे हैं यहाँ से नीचे हुए। क्या बातें हो रही है, लड़कों की बाल थोड़े नेचुरल भी होने चाहिए। तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? ये कुछ और कर वो आपको बताएंगे एक दफा, अब हम ब्रेक के बाद बताएंगे। आप खुद मेरे पीछे बात कर रहे हो आपस में भाई, प्लीज रिकॉर्ड मत करना। हो गया अच्छा अच्छा मैं वो 5 सेकंड वाले सवाल कर लूं, देखती हूं उनको कितने पसंद है। डन तो कोई बात नहीं कर ले रहे ना, क्या है अब बजर पे जो ना दोनों लड़के जाएंगे, ओए ओए कहां जाएंगे? यस लड़कियां सिट डाउन हो जाए बैठ जाए, तुम बस जो मर्जी कर लो सही है। 5 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देने, सीधे खड़ो क्या वो कैमरे की तरफ बैक कर रहे हो क्या कर रहे हो? सॉरी जो भी सवाल मैं करूंगी बारी बारी आपको जवाब देना, लेकिन आपने जब जवाब दे दिया हो तो बजर बजाइएगा, ठीक है? अब जैसे मैं हुमायूं से शुरू कर रही हूँ ना, मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने 5 सेकंड के अंदर उसके जवाब देने, और जवाब देते ही बजर बजाओगे तो मेरी टीम नोट करेगी कि आपने 5 सेकंड के अंदर बजाया। ओके रेडी गेट सेट गो।
बचपन में मार खाने की तीन वजूहात। कोई भी नहीं, नहीं बजर नहीं बजाना, पहले जवाब देना है फिर खबर। हाँ, अब तुम्हारा टाइम शुरू होता है, रेडी बताओ। कोई भी नहीं, मैंने बहुत कम मार खाई है, ये क्या नहीं खाई है, नहीं खाई। जनरल बता दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई अम्मी पीटे ना आपको। ऐसा ऐसी अम्मी नहीं बनी आज तक दुनिया में, ऐसी अम्मी नहीं बनी। मैंने नहीं मार खाई, झूठ बोल रहा है। जीरो पॉइंट। चलो भाई नेक्स्ट। हाँ, बिजली का बिल बचाने के तीन तरीके सलमान। बिजली का बिल बचाने के तीन तरीके, वो मैं भी बचाता हूँ। तीन तरीके नहीं, मैं एक ही तरीका है उसको बता दे यार। जब मैं रूम में ऑन करता हूँ ना, 15 मिनट में रूम फ्रीज हो जाता है, उसके बाद में बंद कर देता हूँ। मैं हार गया। और फिर जब मेरी आंख खुलती है दोबारा चला जाता हूँ। सेकंड में जमाना हो गया। जीरो। ओके नेक्स्ट सवाल, तुम्हें समझ आई? तीन वजूहात कैसे बताएं? इन्वर्टर, शूट पे देर से आने के तीन बहाने। लाइट्स बंद, देर से उठा, रात में देर से सोया। हाँ। और ट्रैफिक बहुत था। ओके, 4 सेकंड में बता दिया कितनी देर से सोया, देर से उठा। हाँ, तो रात में देर से सोया, सुबह देर से उठा, ये दो अलग अलग बहाने हैं। आज ये आपने ये दिया, कल दूसरा दिया है, और फिर ट्रैफिक था। ओके, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। अरे मुश्किल है यार। किन तीन चीजों पे पैसे उड़ा के पछताते हैं? 5 सेकंड में जवाब दे। बाहर का फजूल खाना खा के। ओके। और ऑनलाइन ऑर्डर करके जब चीज ठीक नहीं आती। और बीवी को शॉपिंग करा। बीवी को शॉपिंग करा। तो ये मैंने ऐसे ही बोल दिया। ये घर जाके पिटेगा आज। बजर भी बजाना है सलमान। सलमान 10 सेकंड में जवाब दिया। यार कैसे आएंगे इतनी जल्दी बातें? वो तीसरा वाला मैंने झूठ बोला था। अच्छा ये पता है, सही कह रहा है। अभी तो कह रहा है कि शॉपिंग करा के अफसोस होता है, लेकिन प्लानिंग कर रहा होता है, ये कराऊंगा बीवी को, वो कराऊंगा, वहाँ सैर कराऊंगा, वहाँ सैर कराऊंगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी। कर रहा होता, तुम्हें याद है हम अपना लड़ रहे थे तो वो फोन पे बात कर रहा था, वो बीवी का फोन है। सब कितने सपोर्टिव एक्टर्स हैं। ये तो ये है, एक ने भांड मारा, तीन ने भांड बचाया, बाकी कोई मतलब अगले प्ले में हम चारों को कास्ट कर लो फिर से। नहीं भाभी सच में। ओके अच्छा जी। हां भाई, शादी करने के तीन नुकसानात। फायदे कौन से? पसंद की शादी करने के तीन नुकसानात एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप किसी को कह नहीं सकते कि हमारी सुलह कराओ, क्यों कहेंगे, अपनी पसंद से शादी की है। दूसरा नुकसान, बिजली का बिल और शॉपिंग का बिल। 5 सेकंड गुजरे में अरसा हो जाएगा, जल्दी बताओ। और दूसरा नुकसान ये कि पता नहीं। इतने 5 सेकंड में बहुत मुश्किल है यार। हाँ, कैसे रहेगा बता। और वो भी शादी, पसंद की शादी के नुकसान। ओ हो हो हो, अभी तो तेरे रिश्ते आना शुरू होने हैं, रुक जाएंगे। आपको नहीं पता। फोन का पासवर्ड बीवी से छुपाने के तीन तरीके। एक वो स्क्रीन लगाओ जिसपे नजर नहीं आता, ठीक है, प्राइवेसी वाला। दूसरा लगाओ, दूसरा फेस आईडी भी लगाओ, पासवर्ड भी लगाओ, दो चीजें लगाओ। हाँ। तो लगाओ, लेकिन फिर भी वो देख लेती है। तीसरा फिर भी वो देख लेती है। लगाओ ही क्यों? 15 सेकंड में जवाब दिए, वो भी दो। ऐसे जवाब सोच के देने पड़ते हैं। उसको सोच के देने पड़ेंगे। भाई मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने अपनी शादी के बाद बीवी की फेस आईडी मेरे फोन में लगी हुई थी। फिर लगाएगा? लगाएगा, लगाना चाहिए है ना। नहीं भाई, आई डोंट, आई हैव इनफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, आई डोंट वांट टू नो हिज फोन पासवर्ड। आई हैव इनफ प्रॉब्लम्स। मैं तो खुद मुंह मोड़ लेती हूं, मुझे नहीं। वाकई में लगा हुआ था 3-4 महीने तक, उसने मुझे तंग किया तो फिर मैंने हटा दिया। उसने मुझे तंग किया था ना? तंग तुमने किया होगा सामान से। ओके, हां, कहां से? अच्छा, हाय अल्लाह, कितना अजीब सवाल है। किसकी बारी थी वैसे इसकी? हां भाई, मुझ पे ही अजीब सवाल। हुमायूं, कहीं से मुफ्त खाना खाने के तीन तरीके। किसी शादी में चले जाएं? हाँ, एक ठीक है, सेट पे चले जाएं, सेट किसी के सेट पे चले जाएं, हालांकि जाना नहीं चाहिए। और तीसरा किसी के घर चले जाएं। कौन से, कितने सेकंड? 8 सेकंड हुए इन लोगों के लिए। 10 सेकंड दिया करो ये मुझे, और सलमान के लिए तो 20 सेकंड। 10 सेकंड तो होने चाहिए। ओहो, तुम्हें और मोमना को खेलना चाहिए। हमने इतना अच्छा गेम किया था। यार मैंने तो इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम पीछे रहो। अच्छा, कितने सवाल रह गए?
क्यों कहीं जाना नहीं 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 बताएं कितने रह गए आओ इधर आओ इधर आओ 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 बताओ आ जाओ 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 नहीं 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 आ जाओ ना आ जाओ आ जाओ क्या मसला है मोमिना मेरी नाक नहीं कटवानी यार इनसे होता ही नहीं है मैं मतलब ये खड़ा रहता ओके रेडी हो रेडी गेट सेट मियां को मुट्ठी में रखने के तीन आइडियाज खाने पकाओ गेट सेट क्या अच्छे खाने पकाओ उसका ख्याल रखो और एंड बी वेरी ट्रस्टिंग पांच सेकंड सीखो सीखो मियां आसान सवाल कर दिए क्या मैंने यही एग्जैक्टली यही सवाल थे फ्रॉम यू गाइस ओके नेक्स्ट सवाल अपनी खूबसूरती को एनहांस करने के तीन तरीके जल्दी बताओ पांच सेकंड रात को जल्दी सो जाओ अच्छा खाना खाओ और फ्रूट्स भी खाओ क्योंकि मैं नहीं खाती सेकंड अच्छा मुझे second. मुझे लग रहा है ये सवाल वाकई इन लोगों के लिए शादी करने के तीन फायदे आपको प्रोजेक्ट साथ में मिलेंगे आप साथ में काम किया ज्यादा पैसे मिलेंगे और आपके सब सब लोग आपको प्यार देने की कोशिश करने प्यार देने की कोशिश करेंगे क्या क्या करने की कोशिश पीआर पैकेज शादी फ्री हो गई बच्चे की सालगिरह फ्री यही होता है ना यही होता है बच्चे के डायपर्स फ्री मैं शादी का नहीं बता बच्चे के दूध का डब्बा फ्री नहीं डायपर्स बड़े महंगे होते हैं किसी ने मुझे बताया था कि 80,000 रुपए उनके ओके क्या डायपर्स पे टैंट्रम्स दिखाने के तीन नुकसान फायदे पूछ ले फायदे नुकसान का क्या मतलब है दिखाने के तीन नुकसान या फायदे बता दो चलो फायदे मैं आपको बता देती हूँ टैंट्रम्स दिखाने के फायदे बता आजकल फायदे ये भी दिखाती है फायदे मतलब ये हो सकता है कि आपको मतलब कोई ऐसे अप्रोच नहीं कर सकता ठीक है टैंट्रम दिखाने का ये भी होता है कि कोई आपको आके ये नहीं कह सकता जल्दी कर ले जल्दी जगह उनको पता है कि अपना टाइम लेगी ठीक है और तीसरा ये कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो और एक्टर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हां टैंट्रम ना दिखाने के नुकसान पूछो हमसे देखा आ जाओ टैंट्रम्स ना दिखाने के नुकसान पूछे हमसे लड़कों से टैंट्रम्स ना दिखाने के नुकसान क्या आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा बहुत आपकी डेट्स जाया करते हैं और जब वक्त आता है अपने दिखाते हैं ये लोग फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा आपकी डेट्स भी जाया करते हैं और सुबह बिठा के शाम को सीन कराते हैं और फिर प्रोडक्शन हाउस से बोलते हैं वो तो सो गया था देखो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एक वो एनर्जी आ गई मेरे शो पर भी और लोगों की जिंदगियों में भी क्योंकि सुबह उनको एनर्जी चाहिए होती है वरना सुबह जो है ना जैसे होते हैं ना उसके लिए यहाँ गेस्ट का एक्टिव होना बहुत जरूरी है और आप चारों बड़े एक्टिव तो थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक आपके ड्रामे के लिए एहसान फरामोश और बहुत प्रॉमिसिंग इसके प्रोमोज हैं जो कि मुझे बड़ा अट्रैक्ट करे आई होप कि उम्मीद करती हूँ कि जो नाजरीन है वो बहुत इस ड्रामे को आगे पहुँचाएंगे रेटिंग्स के और हमारे डायरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है उनसे मैंने कहा था आ जाएं आप भी उन्होंने एक बहाना बना दिया अच्छा नहीं नहीं आपको बिल्कुल आना चाहिए हम तो वैसे ही आपके फैन हैं इतना अच्छा काम करते हैं आपके डायरेक्टर जबरदस्त सैयद फैसल बुखारी साहब सीनियर डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर है सो यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और आपको याद दिलाती चलूंगी इन चारों को यहाँ भी आपने एक साथ देखा है और आप एक साथ देख सकेंगे ARY डिजिटल्स की स्क्रीन पे मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे एहसान फरामोश में गुड मॉर्निंग पाकिस्तान Excuse me, आप बार बार मेरी पिक्चर्स में आ रहे हैं साइड पे हो जाएं प्लीज I'm sorry. Actually, वो साइड स्पेशली हमने अपने कस्टमर्स की ब्यूटीफुल मेमोरीज कैप्चर करने के लिए बनाई हमने मतलब I'm Kabir, owner of this restaurant. मुझे लगता था कि मैं इग्नोर करने वाली शख्सियत हूँ नहीं आपने तो दिल ही तोड़ दिया पर मैं तो ऐसी ही हूँ हुस्न हो तो नजाकत आ ही जाती है कबीर के लिए पलक का हाथ वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं साहिर लोधी जो कि अपनी ब्रांड मोर के साथ हमारे पास मौजूद हैं और ये जो लेकर आए हैं ये प्रोडक्ट मेरी ना आंखें यूं हो गई वाओ
ये मतलब यार ये वाली सोच कैसे आई आपके? सच्ची ये तो परेशानी माओ को होती है। अच्छा नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि हमें बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि एंटी लाइज शैम्पू है या नहीं है आपके पास, तो ये बड़ा अजीब सी ये सिचुएशन हो जाती है। अच्छा तो उन कॉल्स की वजह से आपको ये आया ज़हन? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये फिकर तो माओ को होती है घर में ना। अच्छा अब चूंकि स्कूल खुले हैं, अब ये जो सीजन लाइस का है ये अचानक से बहुत रशन कर जाएगा, तो हमने ये सोचा कि एंटी लाइस शैम्पू जो है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम एंटी लाइस की तरफ जाएं, कुछ प्रमोशंस हैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूं। बिल्कुल जरूर। आज अगर आप 4000 का ऑर्डर करते हैं हमारे पास से, तो अगेन आप ही के पास आते हैं, आप ही के पास हम बताते हैं, तो दीज इयररिंग्स यू आर गोइंग टू गेट फॉर फ्री, ये आपको फ्री मिलेंगे लेकिन 4000 के ऑर्डर पर। 4000 का ऑर्डर देंगे तो आपको ये फ्री मिलेगा, एक तो ये प्रमोशन है। 5000 का अगर आप ऑर्डर देते हैं तो ये आपको ये एक जेड रोलर, इसके साथ ये आपको फ्री है। दिस इज रियली रियली गुड एंड इट्स नॉट प्लास्टिक, बेसिकली इज मार्बल। तो ये जेड रोलर जो है ये आपको फ्री मिलेगा, और साथ साथ ये जो है ये आपको ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा, अब ये समझ लीजिए कि आपकी स्किन पे अगर आपको लगता है कि आपको यंगर लुकिंग स्किन चाहिए तो इसको आपको रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट्स रियली 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 इफेक्टिव, ये भी आपको 5000 पे फ्री है, तो आप ये भी ले सकते हैं। दूसरा जेड रोलर जो है ये भी आपको मिल सकता है। तो ये तो हमारी प्रमोशंस हैं। अच्छा है। इसके अलावा आज हमने, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, एंटी लाइस शैम्पू जो है वो इंट्रोड्यूस किया है अमोर ने, एंड ये 100 ml की बॉटल है। वैसे अगर आप इसकी प्राइस पूछते हैं तो 1500 की है, लेकिन आज हम इसको ऑफ दे रहे हैं 212.99 पे हम ये दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए है। आज अगर आप ऑर्डर करते हैं, दिस इज सेफ फॉर द होल फैमिली, एवरीवन कैन यूज। अच्छा सबसे बड़ी बात ये होती है कि चूंकि माओ को सबसे बड़ी परेशानी अब ये हो जाती है कि जैसे ही बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्या वापस वो लाइस को लेके आएंगे? तो that's अच्छा, इसको आपने 4 मिनट तक लगाना है, that's all, और उसके बाद आप रिंस कर लें, और जब आप कॉम करेंगे तो सब चीजें absolutely, absolutely. हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, आप लोग चाय पापे खा रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे, लेकिन बट ये बहुत इफेक्टिव है, काम आसान है, बहुत इफेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप इसको शुरू में ही कर लेते हैं और हफ्ते में एक बार उसके बाद रूटीन में लगाएं, तो आपको लाइस वैसे भी नहीं आएंगी। तो दिस इज रियली रियली इफेक्टिव, तो आप ये भी ले सकते हैं, अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको स्क्रीन चल रही होगी। याद रखिए 4000 पे भी आपको फ्री गिफ्ट है और 5000 पे भी फ्री गिफ्ट है। अच्छा कुछ लोगों ने कॉमेंट किया था हमारी ही वेबसाइट पे जाके और हमारे उस पर मेरे बालों के बारे में, कि आपके बाल ऐसे क्यों हैं? It's very very simple. This is what it is, जिसकी वजह से मेरे बाल ऐसे हैं। अच्छा इसके अंदर जो चीजें हैं, ये हमारा हेयर लॉस सॉल्यूशन है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं खुद प्रोपेशिया खाता रहा हूं 15-20 साल और मैं रोगेन लगाता रहा हूँ 15-20 साल। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन। लेकिन जब से हमने अपना ये इंट्रोड्यूस किया है तो उसके बाद मैं अब कुछ नहीं लगाता। ये जब आप हेयर लॉस सॉल्यूशन ऑर्डर करते हैं तो ये आपको कार्ड मिलता है जिसमें आपको पता होता है कि कैसे आपने इस्तेमाल करना है। जी, और इसके अंदर अगर आप खोलें तो हमारा एक शैम्पू मिलता है, एक ही हमारा हेयर ऑयल मिलता है और एक हमारा हेयर सीरम मिलता है। हेयर सीरम आपने 7 दिन लगाना है, 7 days लगाना है। ये आपने थ्राइस अ वीक लगाना है, 3 मरतबा लगाना है, और ये आपने डेली वॉश करना है। और इसके बाद विद इन फ्यू डेज आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं और आपके पुराने बाल जो हैं वो वापस आने तो लगते हैं। ये पूरा पैकेज है, लाइक वो जी ये पूरा पैकेज है, और पूरा पैकेज 4000 का है। आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको फ्री गिफ्ट जो है वो भी मिल जाएगा, बट यू हैव टू रश क्विक बिकॉज अगर ये हम चीजें अलग अलग लें तो ये इसकी प्राइस एक्सपेंसिव डिफरेंट होगी। लेकिन आप ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, बिकॉज अब होगा क्या, अब जब मैं शो से वापस जाऊंगा तो हमारे पास ये बॉक्सेस इतने तेजी से जाता है कि खत्म हो जाते हैं। आप आज के दिन अगर आप अलग अलग भी लेते हैं तो भी हम आपको 4000 में ये तीनों चीजें दे देंगे, बिकॉज मुझे पता है हमारे पास 500 बॉक्सेस हैं जो आज के आज चले जाएंगे। तो अगर कल कोई कॉल करता है और वो निदा का रेफरेंस देते हैं तो फिर तो वी कैन गिव दैट टू यू। लेकिन बट अंडरस्टैंड कीजिए कि आपने ऑर्डर अभी करना है, अगर आप और अभी ये सीजन है बालों के जाने का। अगर आपके बाल पानी की वजह से, हमारे बहुत स्ट्रेसेस होते हैं पानी का इस्तेमाल, फिर खुराक का इस्तेमाल, और वैसे भी हेरिडिटरी होता है, तो आपको अपने बालों की हिफाजत अभी से करनी है। और बालों की हिफाजत याद रखिए 16-17 साल से शुरू हो जानी चाहिए। तो आपने 7 दिन ये लगाना है, 7 drops लगाने हैं 7 दिन, और ये 2.5 महीने का कोर्स होता है, 2.5 महीने के अंदर अंदर उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। दिस रियली इज गुड, इट्स वेरी इफेक्टिव। ये याद रखिएगा 95% लोगों में ये काम करता है, 5% लोगों में ये काम नहीं करेगा। सो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, लेकिन 95% लोगों के अंदर काम करता है, हैरत अंगेज रिजल्ट्स हैं, इट्स रियली 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 गुड। अच्छा दूसरी बात, अब चूंकि थोड़ा सा वही सीजन है जहाँ पर स्किन जो है वो मुतासर हो जाती है, तो हमारी ये वाइटनिंग फेशियल किट है, इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल किट है, और
इसके अंदर जो चीज़ जिस तरह से आपको लगाना है वो यहाँ लिखा हुआ है, आपको ये थैंक यू कार्ड जो है वो मिलता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अंदर ये 6 स्टेप्स जो हैं ये भी आपको नज़र आते हैं, इसके पीछे वो तमाम चीज़ें लिखी हैं जो इसमें शामिल हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप इसको भी अभी ऑर्डर कर सकते हैं। अगैन इसके साथ भी वही मसला होता है, जैसे हम आपके शो पर आते हैं जब वापस आते हैं तो ऑर्डर्स इतने होते हैं कि फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है, बट वी हैव दिस। बट प्लीज़ मेक श्योर कि जो नंबर अभी दिया हुआ है वहाँ पर आप उसको ऑर्डर कर दें। ये एक फेशियल जो है, एक फेशियल किट जो है, ये 8 से 10 से 12 फेशियल कर देती है। ठीक है, और आप ये याद रखिए कि जब आप व्हाइटनिंग फेशियल के लिए आप सैलून में जाते हैं तो आप 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक खर्च करते हैं। अच्छा, ये आपको इमीडिएटली 2 शेड लाइट कर देती है। तो अगर इफ अभी शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है दोबारा से, सो प्लीज मेक श्योर कि यू हैव दिस अवेलेबल एट योर होम, वेदर इट्स मेल और फीमेल कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। लॉट ऑफ वुमेन हैव कमेंटेड कि हमें आपकी न्यूट्रल किट बहुत पसंद है। हाँ। तो ये न्यूट्रल किट है जी, यू गेट रेडी इमीडिएटली। ये हमारे पास 2 कलर्स के अंदर इसका टिंट भी दस्तियाब है, इसके अंदर ये हाउ टू डू आपको ये मिल जाएगा, और साथ साथ इसके अंदर एक टिंट है, एक हमारा ग्लो सीरम है और एक हमारी बीबी क्रीम है, ये शामिल है। गुड फॉर All skin, all type और of skin. रोजमर्रा के बिल्कुल मेकअप immediately. I think within 5 minutes. 5 मिनट में जल्दी. 5 मिनट के अंदर, और ये no makeup look है basically. हाँ. तो आप इसको उनसे कह दीजिए कि मुझे neutral makeup kit चाहिए और आपको ये मिल जाएगी. तो this is really good. अच्छा, a lot of people, मुझे नहीं पता आपको लगा कि मैंने weight lose किया या नहीं किया, but मैंने किया है. अगर मैं ये शर्ट उतारूं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं, अच्छा, बिकॉज मैं कभी जिंदगी में तसव्वुर नहीं कर सकता था आई वुड वेयर दिस अगेन. हमारे पास ये कर्व की टैबलेट है, ड्रैप इनलिस्टेड है, और याद रखिए कि दिस इज रियली गुड। अगर आप इसको लेते हैं, आपने एक टैबलेट लेनी है रोजाना नाश्ते के बाद, और आप कुछ भी खा सकते हैं इसके साथ, यू कैन ईट एनीथिंग दैट यू वांट, लेकिन बैलेंस आपको पोर्शन जो है वो थोड़े थोड़े कम करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा पोर्शन करेंगे तो फिर इफेक्टिव नहीं रहेगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ट्रिक ये है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से कि हमारा बहुत वेट लूज हुआ, लेकिन चंद लोग ऐसे आके कहते हैं कि सर भाई मैंने बहुत इस्तेमाल किया लेकिन वेट उस तरह से नहीं गिरा। उसका एक रीजन होता है कि आप पानी प्रॉपर नहीं पीते, इसके साथ रिक्वायरमेंट जो है वो 16 ग्लास पानी की है, 16 ग्लासेस आपको एवरी सिंगल डे पीना है। आप 3 से 4 इंच यहाँ का जो फैट है वो लूज करते हैं, 3 से 4 इंच ओवरऑल आपकी बॉडी से कम होता है। आपके जो पुराने कपड़े हैं, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, हालांकि मैंने आपका माइक भी पहना हुआ है, ये मुझे फिट नहीं होता था, कोट नहीं बंद होता था, नहीं ये बंद नहीं होता था, लिटरली बंद नहीं होता था। और मुझे ये मेरा यार्ड स्टिक है, जब मैं वेट लूज करता हूँ तो ये मेरा यार्ड स्टिक है। अच्छा, तो कि भाई इसको मैं पहनूंगा तो वेट लूज हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कर्व को अभी आप ऑर्डर करें, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। बिरयानी खा रहे हैं कि डाइट वाइट भी चल रही है? अच्छा, मैं डाइट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, मैं नहीं कर, इसीलिए मैं ये लेता हूँ। मैं डाइट कर ही नहीं सकता, नहीं था मतलब मैं 22 घंटे काम करता हूँ, 22 घंटे काम करने वाले मेरे पास ये लिबर्टी नहीं है कि मैं, बिकॉज रात को पढ़ना होता है, दिन में काम करना होता है, तो मेरे पास ये लिबर्टी ही नहीं है कि मैं मतलब डाइट कर सकूँ। मैं तो रात को राजा से आइसक्रीम मंगवा के, और लिटरली पास्ता आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, जो भी मैं खा सकता हूँ, जो आपकी वो एंजॉयमेंट का टाइम है, जो खाना है वो इवन मॉर्निंग, अभी मैं इतना बड़ा कप कॉफी का पीऊंगा, कोल्ड कॉफी का विद क्रीम एंड ऑल दैट, तो मुझे या ऑफ कोर्स आई डू, मैं मुझे अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये थायराइड सी है, ये ग्लूटाथायोन के साथ है, और आपको पता है कि इससे आपकी चेहरे की रंगत जो होती है वो बहाल होती है और पुरानी रंगत आपकी वापस आती है, बेहतर होती है। ये भी आप ले सकते हैं, दिस इज रियली गुड, अगेन ड्रैप इनलिस्टेड है, आप अभी कॉल कर सकते हैं। ग्लूटाथायोन आपको एक लेना है, न्यूट्रासूटिकल है, ड्रैप से इनलिस्टेड है, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें आप खा रहे हैं उसके लिए डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें, लेकिन ये आपकी रंगत को साफ करती है, और विद इन 3 कैप्सूल्स इसके बाद आपको उसका असर नजर आना शुरू हो जाता है, दिस इज रियली 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 इफेक्टिव। अच्छा, एक चीज़ जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप ज़्यादा बात किया करें, स्किन ऐसी कैसे रहती है? इवन माई सिस्टर इज अ ग्रेट डॉक्टर, और वो मुझे अक्सर कभी पकड़ के बिठा ले, पिछले दिनों में उसके हाथ आ गया था, तो बड़ा मुश्किल हो गया था, तो लेकिन, और शायस्ता लिटरली मुझसे लिटरली वो ये कहती है, भाई तुम क्यों नहीं आते हो, सब आते मेरे पास, तुम भी आया करो। मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी ही चीज़ें इस्तेमाल करूँगा तो मैं ज़्यादा, मुझे बेहतर लगता है। तो ये मैं रात को सोने से पहले सबसे पहले ये गोल्ड सीरम लगाता हूँ, गोल्ड सीरम 1 से 2 ड्रॉप लगाता हूँ मैं, वो मेरे पूरे चेहरे को यहाँ से यहाँ तक कवर कर देता है। अच्छा, ख्वातीन मेन कोई भी लगा सकता है इसको, एंड इट रियली इफेक्ट्स, इट्स रियली इफेक्टिव। ये आपकी स्किन के जो हल्के हल्के रिंकल्स हैं उसको दूर कर देता है, मखमली स्किन देता है, और उसके साथ में ये गोल्ड क्रीम जो है, गोल्ड प्लैटिनम गोल्ड जो है ये लगाता हूँ, ये इसका कॉम्बिनेशन है जो रात को मैं सोने से पहले लगाता हूँ। देखिए,
एज यू ग्रो ओल्ड आपकी स्किन की डिमांड चेंज होने लगती है. Exactly. तो आपकी स्किन को रिप्लेनिश करने के लिए, नरिश करने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए. तो आप उनसे कहिए कि ये मुझे प्लैटिनम गोल्ड क्रीम दें और ये सिरम दें, और पहले दिन के इस्तेमाल के बाद 30 सेकंड्स के बाद आप देखिएगा, आप 2-3 ड्रॉप ये लगाइएगा और थोड़ी सी क्रीम ये लगाइएगा और 30 सेकंड्स के बाद देखिएगा कि आपकी स्किन पे होता क्या है. योर स्किन वुड ग्लो एंड लुक्स ब्यूटिफुल. तो अच्छा, मैंने देखी, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, नथिंग, आई हैव डन दिस, दैट्स ऑल आई हैव डन, एंड आई एम श्योर कि मेरी स्किन ठीक ही लगती होगी. मतलब इट्स क्लियर. और सबसे बड़ी बात ये, खवातीन और मर्दों की स्किन के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है. अगर, मर्दों की रफ होती है, रफ होती है. अगर मेरी स्किन जो है वो उस पर ये रिएक्शन है, तो इमेजिन कीजिए खवातीन की स्किन जो ज़्यादा बेहतर होती है उस पर कितना रिएक्शन आएगा. तो दिस इज रियली 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 इफेक्टिव. इसके साथ साथ एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं समझता हूँ कि हर एक को यूज़ करना चाहिए, वो ये दो चीज़ें हैं. एक हमारा राइस स्क्रब है. अच्छा, कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ, अगर आप अपनी स्किन को यंगर रखना चाहते हैं, आप राइस स्क्रब लीजिए, इससे धो लीजिए. इसके बाद हमारे पास ये राइस का सिरम है, ये लगा लीजिए, आपकी स्किन यंगर लुकिंग हो जाएगी. ये आपको एक्सफोलिएट करेगा और ये आपकी स्किन की जो चीज़ें जा चुकी होती हैं उसको रिप्लेनिश करता है. तो दिस इज़ अ रियली गुड कॉम्बिनेशन, राइस स्क्रब एंड राइस सिरम. राइस सिरम आप रोज़ लगा सकते हैं, राइस स्क्रब अगर आप 2 मरतबा भी इस्तेमाल करें तो ये इतना अच्छा एक्सफोलिएटर है, इफ़ यू यूज़ इट, इतना अच्छा एक्सफोलिएटर है कि आपको लगता है कि वाकई आपने कुछ अपनी स्किन पर लगाया है. आप 2 मरतबा लगा लीजिए, 2 मरतबा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर लें और रोज़ सुबह 3-4 ड्रॉप इसके लगा लें, एंड दैट्स ऑल यू नीड. अच्छा, हमने सारी बातें कर ली, लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि हम अक्सर भूल जाते हैं, सनब्लॉक. उसको कैसे भूल सकते हैं? आप नहीं भूलते? मैं रेगुलरली यही इस्तेमाल करती हूँ, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते ना. मैं आपको बताऊं कि मैं, अच्छा, आपके बाद ये मैं नहीं लगाता था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपने इतना कहा कि मैंने आपके बाद लगाना शुरू किया, एंड आई फील द डिफरेंस. पता है मुझे सुकून मिलता है ये लगा के. कभी और मैं सनब्लॉक यूज करती हूँ तो मेरी स्किन जो है जलती है, तो ये जब मैं लगाती हूँ तो एक ठंडक महसूस होती है. और इसीलिए अभी मैं जब घूमने भी गई थी वेकेशंस पे, ये था फॉरेन था, लेकिन लोकल हमारा सनब्लॉक था साहिल लोधी. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, ये सनब्लॉक बहुत अच्छा है, जेल बेस्ड है. हाँ. ये बिल्कुल गायब हो जाता है, आपकी स्किन पे नजर भी नहीं आएगा और बहुत अच्छी फीलिंग आती है. तो आप इसको जरूर लगाइए, जरूर लगाइए, एंड यू विल लव इट. आपको ये लगाना जरूर इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि सन की रेज जो होती है वो खतरनाक होती है और आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है. अब तो ये बहुत अवेयरनेस आ गई है, तो आई थिंक सनब्लॉक एसेंशियल है, इसको प्लीज जरूर इस्तेमाल कीजिए. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका साहिर. ये था हमारा आज का शो, और जो चीज लेकर आए वो वाकई आजकल की जरूरत है, एंटी लाइस शैम्पू, तो वो भी ऑर्डर करें. और आपको सारी चीजें बता दी गई, आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं ऑर्डर करने के साथ. थैंक यू सो मच अमोर, एंड थैंक यू सो मच साहिर. थैंक यू जी. तो ये था हमारा आज का शो. अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपसे आखिरी जुमला बोल सकूं, इसलिए जल्दी से खुदा हाफिज़.